जाते हैं। चौथा नंबर है जीव हिंसा। जीव हिंसा में किसी तरह का मांस मछली अंडा ये सब नहीं खानी चाहिए। आप लोग महाभारत कथा सुने होंगे, जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, एक दिन धृतराष्ट्र और उसे गांधारी ये दोनों कृष्ण के पास मिले। बोले कृष्ण, हमें ये 100 बेटों का मृत्यु क्यों देखना पड़ा? हमने ऐसे कौन सा कर्म किया था? तब भगवान कृष्ण उनकी पूर्व जन्म की कथा सुनाए। बोले पूर्व जन्म में एक समय तुमने जंगल में तुमने शिकार खेलने के लिए गया, बड़ी जोर से तुम्हें भूख लग रही थी और एक वृक्षों के नीचे तुमने बैठ लिया और वो वृक्षों के ऊपर में चिड़िया की जो चहचहाट सुनाई पड़ा। वो पेड़ के ऊपर में चढ़े, चढ़ कर के देखा सचमुच से वहाँ पर चिड़िया को सब घोंसला है और चिड़िया लोग वहाँ पर सब अंडा दे कर अंडा दिए हुए और एक एक अंडा में एक एक बच्चा होता है। बोले तुमने 100 अंडे को तुमने खाया। बोले 100 अंडे नहीं खाया, 100 बच्चों को तुमने खाया था, इसलिए इसी जीवन में तुम्हें क्या देखना पड़ा? 100 बेटों का मृत्यु देखना पड़ा। देखो हम पाप कर्म करते समय नहीं सोचते, लेकिन जब जीवन में कोई दुख आने लग जाए ना, फिर तो बिलबिलाने लग जाते, हमें क्यों दुख हुआ, हमने कुछ नहीं किया, हमारे क्यों ऐसे हुआ, हम उसमें बिलबिलाने लगता है। इसलिए हमें कोई पाप कर्म करने से पहले हमें सोच बूझ करके कोई पाप कर्म हमें करनी चाहिए। इसलिए जीवन में केवल 4 के नियमों का पालन कर लो और थोड़ी सी भगवान के नाम जप कर लो, इसी से ही हमारी उद्धार हो जाएगा। अब एक बार हाथ उठा करके बोले बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। एक दिन श्री परीक्षित महाराज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए। आज इतनी जोर से उनको प्यास लग रही थी जिंदगी में कभी लगी नहीं। एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और ऋषि सचमुच से भजन ही कर रहे थे। उनसे उन्होंने पानी मांगे, लेकिन वो तो भजन में बैठे हुए थे, उनको बाहर का कोई ज्ञान ही नहीं था। पानी नहीं दिया तो उनको गले में उन्होंने एक मरा हुआ उनने सर्प को डाल दिया। अभी उसकी बच्चे को पता चलते ही उसने बड़ा क्रोधित हुआ। उनने कौशिक नदी का पानी को उठाए और मंत्र फूंक करके बोले जिसने मेरे पिताजी के गले में ये मरा हुआ सर्प को डाला, मैं उन्हें अभिशाप देता हूँ, 7 दिवस में उनको तक्षक दंशन करेगा। अभी परीक्षित महाराज को ये बात जब पता चला है ना, अगर हमें कोई बोल दे 7 दिन में तुमको सांप काटेगा और मरेगा, हम देखना सुनते तो हम आधे मर गए। लेकिन परीक्षित महाराज दुखी नहीं हुए, वो सुखी हो गए। बोले क्यों? बोले मरने से 1 मिनट पहले देखना, 1 सेकंड पहले देखना, हमें पता नहीं चलता हम मरने वाला है। लेकिन ठाकुर जी का कितना आशीर्वाद, देखो 7 दिन पहले मेरे को पता चल गया। कम से कम मैं 7 दिन प्रभु का भजन प्रभु की कथा सुनते हुए जीवन को बिताए। अगर हमें पता चले ना 7 दिन में मरने वाला, क्या करेंगे? जितने बढ़िया से बढ़िया जितने पैसा तेरे खा पी लो और घूम लो और ऐसे कर लो। लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया। बोले क्यों क्यों उन्होंने ऐसे नहीं किया? उनको पता है ये जीवन बड़े भाग्य से ये मानव शरीर हमें प्राप्त होना है, इसलिए ये जीवन मिला है प्रभु के भजन के लिए। इसलिए उन्होंने दिव्य ज्ञान होता था। सारे ऋषि मुनियों को पता चला, अभी सारे संत समागम हुए, श्री सुखदेव गोस्वामी आएंगे, अभी प्रभु की चर्चा हरी कथा होगी। इसलिए वहाँ पर 88,000 ऋषि वहाँ पर सबके सब एकत्रित हुए। परीक्षित महाराज ने कहा मेरे ऊपर में अभिशाप नहीं, ये संतों का आशीर्वाद है। जीवन में एक संत दर्शन दुर्लभ, देखो आज कितने 88,000,
ये तो मेरे ऊपर में ठाकुर की बड़ी कृपा है। तो उन्होंने ऋषियों को प्रश्न करते हैं, बोले अद्यवा अब सतान तेवा प्राणी वही मृत्यु नाम ध्रुव, बोले आज हो नहीं तो कल हो नहीं तो परसों हो बरसों हो, एक दिन सबको मरना, कोई नहीं बोल सकता मैं मरूंगा नहीं। लेकिन ऐसे जो मरणशील जो व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, आप लोग कृपा करके बताओ। लेकिन वहां पर नासव मुनिर्जस्य मतम न भ्रम, ऐसे कोई मुनि नहीं था जिसका अलग ही अलग मत नहीं था। किसने कहा भैया विघ्न विनाशन श्री गणेश जी की पूजा करो, किसने कहा क्यों नवरात्रि करो ना, उसका माँ कहीं क्या चली गई, बोले भैया नवरात्रि तो 9 दिन के लिए है, इनको पास में कुल 7 दिन है। किसने कहा मृत्युंजय को पाठ करो, बोले वो भी 49 दिन के लिए। अभी इनको अंदर में तर्क वितर्क होने लग गए। परीक्षित महाराज को यद्यपि पता था ये सबके सब लास्ट में एक ही निवास में पहुंचेंगे, अगर जीवन में कोई शांति और सुख पाना चाहते हैं भगवान की कथा सुने, भगवान की स्मरण करे और भगवान का कीर्तन करे, ये एक ही सिद्धांत में पहुंचेंगे। लेकिन का बरसा सब बात जब कृषि सुखाई, मेरे पास में शादी दी है, अगर ये तर्क वितर्क में अगर बिता देंगे फिर क्या होएगा। तो उन्होंने भगवान कृष्ण के शरण में जाते हैं, बोले हे प्रभु आप ही मुझे मातृ गर्भ में दर्शन दिया, आप ही मेरे को रक्षा किया था अस्वस्थ माँ से, अभी मेरे अंतिम समय है, ऐसे कुछ व्यवस्था करो जैसे केवल तुम्हारी कथा सुनते सुनते मेरे जीवन बीत गया। इतने में भगवत इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी वहां प्रकट होते हैं, बोले श्री सुखदेव महाराज की। जब श्री सुखदेव गोस्वामी वहां प्रकट हुए, वहां के उनके पिताजी की पिताजी की पिताजी बैठे हुए थे, सबको उन्होंने प्रणाम किया, गुरुजन को उन्होंने प्रणाम किया, क्योंकि नियम है कोई काम करने से पहले है ना पहले गुरुजन को प्रणाम करनी चाहिए, पिता माता को प्रणाम करनी चाहिए, इनके आशीर्वाद लेनी चाहिए, क्यों इनके आशीर्वाद से सारे काम पूरे होते हैं। इसलिए उन्होंने सबको उन्होंने प्रणाम किया, प्रणाम करते हुए व्यास गद्दी में बैठ गए। तब श्री परीक्षित महाराज उन्होंने प्रश्न की झारी लगा दिए, बोले अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कर्तव्यं प्रियमाणस्य सर्वथा। बोले हे सुखदेव गोस्वामी आप कृपा करके बताओ, बोले प्रियमाणस्य सर्वथा, प्रियमाणस्य सर्वथा मतलब कहते एक दिन ना दिन सबको मरना पड़ेगा, कोई नहीं बोल सकते अमर कोई रहेगा हैं, और दिन प्रतिदिन हमारी समय चलते जा रहे हैं, हम कोई बड़े नहीं सबके सब हम छोटे 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 होते जा रहे हैं, और किस समय ये मृत्यु आ जाएगी इसमें कोई गारंटी नहीं, कोई नहीं बता सकता है इतना दिन तक हम जीता रहेंगे, इसको पास में गारंटी कहाँ है। इसलिए प्रहलाद ने बच्चों को जब बोले भैया भजन 5 साल से करनी चाहिए, बोले क्यों बड़े होकर करेंगे, बच्चों ने कहा बड़े होकर करेंगे, प्रहलाद ने कहा कोई गारंटी कार्ड तुम्हारे पास में, हमारे पास में कोई गारंटी कार्ड है इतना दिन तक हम रहेंगे, कहते कोई गारंटी कार्ड हमारे पास में नहीं। इसलिए तृणम तृणम मतलब होता है जितने जल्दी से जल्दी पारो भगवान के भजन में लग पड़ो, इसलिए कल कर सो आज करो और आज कर सो अब, जितने जल्दी हो प्रभु की भक्ति में लग जानी चाहिए। इतने में जब उन्होंने ये प्रश्न करते हैं क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य, तब श्री सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न होकर के उत्तर देते हैं, बोले देखो ये जो मानव शरीर है ये बड़ा दुर्लभ जीवन भगवान ने हमें दिया है, जो कि 84 लाख जन्मों के बाद में ये जीवन हमें एक बार प्राप्त होता है, जिसको भगवान राम अयोध्या वासियों को भी यही बात समझाते हैं, बोले बड़े भाग मानव तन पावा, बड़े भाग मानव तन पावा, बड़े
मानव शरीर है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। बोले कहाँ पर? विदेश में, अमेरिका में, ना लंदन ना फ्रांस में, बोले भारत में। बोले कौन सा कुल में? बोले हिंदू धर्म में। ये सनातन धर्म में, क्योंकि जगत में जितने धर्म है ना वो बाद में सृष्टि हुआ है, लेकिन ये हमारे जो सनातन धर्म हो ये अनाज है, इसलिए उसको सनातन। सता मतलब हर समय, तना मतलब प्रकाश। आप बताओ जो अंग्रेजी में कौन सा अभी क्या चल रहा है, अभी कौन सा महीना चल रहा है? सर अभी क्या चल रहा है बताओ? 2019। मतलब ये जो धर्म है ना, ये क्रिश्चियन धर्म 2019 से पहले थी नहीं। और भी कोई धर्म देखो, कोई 5000 होगा, नहीं तो कोई 1000 होगा, नहीं तो 1500। कोई भी धर्म देखो, नहीं तो कोई 5 साल पहले हो, कोई 1000 साल। अभी जितने भारत में धर्म है, लेकिन जो हमारी धर्म है ना, ये धर्म सनातन है, ये सृष्टि से पहले ही सनातन धर्म है। और जो धर्म जो जन्म लेता है वो मरता है, लेकिन जिसका जन्म नहीं वो मरेगा नहीं। इसलिए कृष्णा हमारी धर्म के लिए कितना जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। जब जब ये सनातन धर्म पर में कोई विपत्ति बढ़ती है, तब तक भगवान इस जगत में फिर अवतरण होते हैं। इसलिए यहाँ पर बोले देखो, बड़े भाग्य से कहीं ये मानव शरीर हिंदू घर में जीव को बड़े भाग्य से कहीं मिलता है, लेकिन जो भाग्य उससे मिलता है तब ये जीवन को इतने दुर्लभ क्यों बताए? बोले कारण यही है, बोले साधन धाम। ये 84 लक्ष्य जीवन में केवल दो ही कान हमें ठाकुर जी दिए जिसमें हम ठाकुर कथा सुन सकते हैं, और इंसान को छोड़कर किसी को भी बोलो यहाँ पर बैठो और भगवान की कथा सुनो, कोई सुन सकता है? कोई सुन भी नहीं सकता है। जैसे एक सुअर सोचे, नहीं तो कोई कुत्ता सोचे, भैया देखो हमारे नरेश प्रभु जी घर में सत्संग भागवत कथा हो रही है, मैं भी जाकर के थोड़ी सी बैठ जाऊँ। देखना कि सुअर अगर गेट तक आ गया ना, उसको डंडे मार मार कर भगा देना। इसका मतलब है ये मानव शरीर के सिवाय कोई भी आकर यहाँ बैठ ही नहीं सकते, किसकी प्रवेश ही नहीं किसकी। इसलिए भगवान कहते हैं ये जो मानव शरीर है ये साधन धाम है, मतलब इसी शरीर से ही भगवान की हम नाम ले सकते हैं। एक जीवा मिला जिसमें कृष्ण कृष्ण राम राम बोल सकते हैं, दो हाथ मिला जिसमें ठाकुर को सेवा कर सकते हैं, दो प्यार मिला घर से यहाँ तक हम कथा में आकर के यहाँ बैठ सकते हैं, और किसी जीवन में साधन नहीं हो सकता। इसलिए ये जीवन को बताया मुक्ति की द्वार, इसको बताया मुक्ति की द्वार। देखो हमारे गुरु जी एक छोटी सी कथा सुनाते थे, ध्यान देकर सुनो, छोटी सी कथा सुनाते थे। बोले एक समय कोई एक अंधा था, वो अंधा डंडा टेकते टेकते जा रहा था, एक बहुत बड़ा महल बनी हुई थी जिसमें 84 लाख जिसमें दरवाजा है, लेकिन ये सारे दरवाजा बंद है, उसमें केवल एक ही दरवाजा खुला हुआ था। बेचारा अंधा वो डंडा टेकते टेकते जा रहा था, चलते चलते एक दरवाजा खुला, भूल से कैसे एक दरवाजा अंदर में चला गया, जब अंदर में चला गया लेकिन सारे दरवाजा उसका बंद है। अभी वो निकलना चाहता है, अभी एक दरवाजा में हाथ लगाए बोले बंद, दूसरा दरवाजा में हाथ लगाए बोले बंद, तीसरा दरवाजा में हाथ लगाए बंद। कितने दरवाजा था उसमें? बोले कितना दरवाजा था?
84 लाख सारे दरवाजा बंद करते 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 पता नहीं कितना दिनों में वो खुला हुआ दरवाजा पहुंचा। लेकिन जब वहां पर पहुंचा उसने सोचा भैया सारे दरवाजा हमें तो बंद मिला, ये दरवाजा भी बंद होगा। इतने में उसको तरफ खुजली मच गई और वो कोई पर आकर खुजला तो खुजाल से दरवाजा पार, जब पार हो गया फिर जब हाथ लगाया कौन सा दरवाजा आएगा, फिर वही बंद दरवाजा। अब लोग समझ गए होंगे बोले जीव भगवान को भूल करके ये 84 लाख जन्म में भटक रहा है, लेकिन ये सारे दरवाजा मुक्ति की बंद है। मानव शरीर के सिवाय जो जो जन्म जीव को मिलता है किसी जीवन में भक्ति नहीं कर सकता, सारे दरवाजा बंद है। लेकिन करते करते जब ये मानव शरीर को प्राप्त किया ये खुला हुआ दरवाजा, लेकिन उसने यहीं पर आकर क्या करना शुरू कर दिया, खुजलाने शुरू कर दिया। बोले खुजलाना मतलब क्या है, ये दूसरे दूसरे जीवन में जो काम करता था इसी जीवन में आकर तो उसी में ही लग गया। बोले पहले पहले जीवन में क्या करता था ध्यान देकर सुना, कहते दिन में दो और रात में दो काम हम करते हैं। दिन में दो काम क्या करते हैं, बोले पैसा कमाओ, दूसरा काम किया बोले परिवार को मेंटेनेंस करो, बोले रात को बोले सो, दूसरा काम विषय भोग कर बच्चे को जन्म दो। बोले भैया बताओ कौन सा ये काम नहीं कर रहे, एक कुत्ते को देखो चार चार पांच पांच बच्चा देता है, एक सुअर को देखो एक दर्जन से कम बच्चा देता है और उसको एक महीना में बड़ा कर देता है और उनको होनहार कर छोड़ देता है उसमें है। लेकिन हमें खाने पीने के लिए पहले हमें माइनर स्कूल जाओ, हाई स्कूल जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, फिर नौकरी करो, 10-10 घंटा काम करो, फिर जा करके पैसा कमाओ, फिर फैमिली को मेंटेन करो। बताओ कौन गधे कुत्ते सुअर कौन सा स्कूल जाते हैं, कौन यूनिवर्सिटी जाते हैं, किसका नौकरी करते हैं, कौन सा क्या करते हैं, खाने के लिए आसानी से खाना मिल रहे हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते देखो ये मानव शरीर नहीं, ये खुला हुआ दरवाजा है, ये मुक्ति के दरवाजा में पहुंचे। अगर इसी जीवन में पा करके ऐसे ही जीवन को हमने बिता दिया विषय भोग करते हुए, फिर ये मानव शर्म और नहीं मिलता। इसलिए जीवन पा कर क्या करो, सब कुछ करो, ऐसे ही सब छोड़ दो। छोड़ने का किस चीज की जरूरत नहीं, हर चीज को भगवान से जोड़ो। छोड़ना नहीं, क्या करना जोड़ना, प्रभु की भक्ति में हर चीज जोड़ दो। खूब पैसा कमाओ, ये तो पैसा क्यों कमाते, बोले ठाकुर की सेवा के लिए। बढ़िया घर बनाओ, बोले क्यों, बोले भगवान का मंदिर है। बढ़िया बढ़िया रोज खाना बनाओ, बोले क्यों, ठाकुर को भोग लगेगा। घर में झाड़ू लगाओ, बोले कहाँ लगा रहे हो, बोले ठाकुर का दरबार, ठाकुर जी की दरबार में। बच्चों को प्यार दो, क्यों, ठाकुर ने बच्चे दिए, बच्चे बड़े बड़े करके भगवान की भक्ति करेंगे। कहते हर चीज को भगवान की भक्ति में जोड़ करके करनी चाहिए। अगर प्रभु की भक्ति को छोड़ करके कर रहे हो फिर जीव। इसलिए कल मैंने बता रहा था, देखो ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, अच्छे तरह से अपना दिमाग में बैठा हूँ कि गोस्वामी जी क्या कहते हैं। वो कहते हैं राम नाम की अंक है सब साधन की सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। देखो ये चीज को समझो, जैसे एक रख करके अगर सीधा हाथ में एक सुन दो, आप लोग बताओ कितना होगा, एक रख करके सीधा हाथ में एक जीरो दो, बोलो कितना होगा, कितना होगा, 10। पहले था एक, लेकिन जब हम एक जीरो दे दिया झट जो एक 10 गुण बढ़ गया, और एक जीरो दो कितना होगा, 100। पहले कितना था, 10, लेकिन एक जीरो देने पर जो 10 जब 100 हो गया, और एक जीरो दो कितना होगा, 1000। पहले कितना था, 100, लेकिन देखो एक एक जीरो देने पर उसमें 10-10-10 गुण बढ़ना है। गोस्वामी जी कहते हैं अभी एक को हटा दो, जीरो दो कितना होगा, और एक जीरो दो कितना होगा, और एक जीरो दो, जीरो जीरो। गोस्वामी जी कहते हैं ये संसार जीरो है, क्योंकि एक दिन सबको जाना पड़ेगा। हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी भी गए, हम भी चले, ये एक धर्मशाला का परिचय है। जैसे धर्मशाला में रुकने पर देखना बहुत सारे जगह से बहुत लोग आते हैं, रात में बैठ करके गप्पे मारे, तुम कहाँ से, तुम कहाँ से, तुम कहाँ से, और सवेरे होते सब गए। यहाँ हम केवल गप्पे मार रहे हैं और कुछ नहीं है, तू मेरी बीवी, हम तेरा पत्नी,
तू मेरे बच्चे, तेरा मेरा पिता, ये कब मतलब गप्पे मार रहे हैं और कुछ नहीं है, ये गप्पे ही और कुछ नहीं है, इसलिए जीरो है। लेकिन गोस्वामी जी कहते ये जीरो हीरो भी बन जाएगा, मतलब कब हीरो बन जाएगा, लेकिन जब ये जीरो एक में जुड़ जाए, एक मतलब भगवान की भक्ति में जब जुड़ जाए ना, ये जीरो होने पर भी हीरो बन जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी समझाते हैं सब कुछ करो लेकिन भगवान को ले करके करो, छोड़ करके नहीं। ले करके करोगे तो जैसे इसमें दस 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 गुण बढ़ना है, संसार में भी हम दस 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 गुण बढ़ते रहेंगे। इसलिए कहते ये जीवन में ही प्रभु की प्रति प्रभु को हम प्राप्त कर सकते हैं। सबके सब एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। और एक बार जोर करके बोले, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। पीछे तक आवाज पहुंच रही है, पीछे जो भक्त लोग बैठे हो आवाज आ रही थी। अभी श्री सुखदेव गोस्वामी ये सृष्टि की कैसे सृष्टि हुई, ये सृष्टि की प्रारंभ कैसे हुई उसको बता रहे हैं। बोले सर्वप्रथम भगवान नारायण की नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी सृष्टि हुए। जब सृष्टि हुए उनने चारों तरफ में देखा, पानी ही पानी देखा हुआ, उनको पता नहीं चला मेरी सृष्टि कहाँ पर। फिर उन्होंने कमल नाड़ में उन्होंने अनुसंधान की, लेकिन कितने साल तक उसने ढूंढे उनको कुछ पता ही नहीं पड़ा। फिर उन्होंने ऊपर में उठते हैं, उन्होंने व्यंजन वर्ण का दो अक्षर सुने, सोलहमा और इक्कीसवां, मतलब त और प, मतलब तुम तपस्या करो। जब ब्रह्मा जी तपस्या करे फिर भगवान उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। बोले ज्ञानम में परम गुह्यम जत विज्ञान समन्वितम, उनको दिव्य ज्ञान प्रदान किए। बोले ब्रह्मा जी ये सृष्टि के तुम प्रारंभ करो। अभी ब्रह्मा जी सर्वप्रथम उन्होंने चतुसन को उन्होंने सृष्टि किया, सनक सनातन सनातन और सनत कुमार। बोले देखो भगवान का निर्देश है ये संसार का क्रम को तुम बढ़ाओ। बोले पिताजी हम तो ये घर गृहस्थ में फंसना नहीं चाहते, हम चाहते हैं प्रभु का भजन करते हुए आनंद से चले जाते। बोले संसार नहीं करोगे, भगवान का आदेश है। बोले नहीं, बोले अगर तुम शादीशुदा नहीं करोगे ना हम तुम्हें अभिशाप देते हैं। जैसे 5 साल उम्र के जन्म हुए हो जिंदगी भर ऐसे ही बच्चे बन करके रहोगे। जब अभिशाप दिए, बोले पिताजी ये थोड़ी अभिशापी तो वरदान। बोले क्यों, बड़े बनेंगे तब संसार का जितने दायित्व किसको ऊपर, छोटे को ऊपर ना बड़े को ऊपर। देखना बच्चे लोग तो मस्ती से खेलते कूदते, कोई चिंता नहीं, कहाँ से कमाई कहाँ से कमाई कुछ पता नहीं, लेकिन इस सब दायित्व संसार का किसको ऊपर, बड़ों को ऊपर में। बोले पिताजी ये तो अभिशाप नहीं वरदान है, बढ़िया हो गया, बड़े बनेंगे नहीं, शादी शुदा करेंगे नहीं, प्रभु का भजन में मस्त रहेंगे। फिर उन्होंने सृष्टि किया, 10 बच्चों को उन्होंने सृष्टि, शंकर जी को उन्होंने सृष्टि किए, रुद्रदेव प्रकट हुए। जब शंकर जी प्रकट हुए बोले संसार का क्रम को बढ़ाओ, लेकिन शंकर जी देव देव महादेव, ये जोगी जोगी महाजोगी। आप कहीं भी शंकर जी के आप देखना, देखना शंकर जी ध्यान में बैठे हुए देखो, जब उनकी ध्यान लगती है ना कल्प कल्प तक इनकी ध्यान लग जाती है। अभी शंकर जी की भी इच्छा नहीं, बोले भैया अगर पिताजी की मना कर दो ना, जैसे पिता बिगड़ गए हमारे ऊपर बिगड़ नहीं जाए। उन्होंने भूत पिशाचों को सृष्टि करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी बोले ये कोई सृष्टि है, जरूरत नहीं सृष्टि, चुप बैठो। शंकर जी बोले अच्छा हो गया। फिर उन्होंने कर्दम ऋषि को सृष्टि की, फिर 10 बच्चों को, फिर उन्होंने श्री मनु महाराज को सृष्टि किया और सत्वरूपा को सृष्टि किया अपना शरीर से। और मनु महाराज ने सर्वप्रथम उन्होंने 5 संतान जन्म दिए और यहीं से सृष्टि आरंभ हुई है। उनका जो 3 बेटी है आकृति देहूति और प्रसूति, और जो 3 बेटे हुए ये उत्थान पात और प्रियव्रत।
कहते जो सृष्टि है ना वो यहीं से धीरे धीरे सृष्टि हुई, ये मनु महाराज से हम आए इसलिए हमें मानव कहलाते हैं, हमें क्या कहते हैं मानव। लेकिन हमारी जो साइंस है ना वो कहता है डार्विन, एक साइंटिस्ट का नाम सुने होंगे, सुने कि नहीं डार्विन, उसका थ्योरी कहते हैं, कहते पहले हम बंदर थे और ये बंदर की जो पूंछ धीरे 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 कटते कटते खत्म हो गया ना, फिर हम इंसान हो गए, ये डार्विन का थ्योरी। लेकिन हमारे शास्त्र कहता है नहीं, हमने बंदर से सृष्टि नहीं हुए, हम भगवान से सृष्टि हुए हैं, हम भगवान की औलाद हैं। इसलिए हमारे जो प्रभुपाद थे, देखो ये चीज को अच्छे तरह से सुनो, ये प्रभुपाद जो थे जिसने पृथ्वी में हमारे सारे सनातन धर्म को प्रचार किया, वो कहते हैं ये बंदर से हम सृष्टि नहीं हुए हैं। अगर बंदर से सृष्टि होते अब कितने सारे बंदर घूम रहे हैं, कोई बंदर अभी कोई इंसान बन गया है क्यों? उसी समय क्यों बंदर इंसान बना, अभी एक बंदर कोई इंसान क्यों नहीं बन रहा है? कहते उसका पूछ, ये चीज को अच्छे तरह सुने, से पूछ कटते 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 इंसान हो गया, जब पूछ कटते 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 इंसान बीच का भाग आ गया था, पूछ उसका कटा है ना, उसका तो कुछ भाग कहीं रहनी चाहिए ना, अभी कहाँ है सब के सब? ये डार्विन मरने से पहले ये बात को बोल कर गए, आप बोले मैंने जो बताया ना बंदर से इंसान हुआ ये झूठा है, बोले क्यों? बोले ये गवर्नमेंट मेरे को जोर जबरदस्ती किया था तुम लोगों को नास्तिक बनाने के लिए, तुम ये बता दो, क्योंकि अगर बोले कि भगवान से सृष्टि हुई पर ठाकुर जी को मानना पड़ेगा, इसलिए वो साइंस बोल रहा था लोगों को नास्तिक बनाओ, भगवान भगवान को माने ही नहीं, इसलिए उन्होंने हमें जोर जबरदस्ती किया था। उसने बीच में किया गया एक एक गरिला की खोपड़ी लिया और एक बंदर का खोपड़ी लेकर मिला दिया, और मिला करके बोले देखो कैसे हम बंदर थे और धीरे धीरे बंदर से धीरे 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 इंसान, हमें बेवकूफ बनाकर घुसने चला गया। लेकिन मरने से पहले खुद बोल कर गया भैया कभी बंदर से इंसान बन ही नहीं सकते। इसलिए हमारा गीता देखो, गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, मम इमांस जीव लोके जीव भूत सनातन, ये गीता का श्लोक है, कहते जो जीव है वो मेरे अंश है, जीव मेरे संतान है। आप लोग कुरान को पढ़ो, ये कुरान ये क्रिश्चियन का ग्रंथ है, ये कुरान है, आप कुरान को पढ़ोगे ना, ये कुरान में लिखा हुआ है गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज, ये कुरान ये है, ये क्रिश्चियन ग्रंथ कहता है गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज, भगवान ने अपना जैसे उन्होंने इंसान को बनाया। अब मुसलमान का ये हाँ कहती है जो बाइबल में ये लिखा हुआ है, कहते आप मुसलमान का ग्रंथ तो कुरान को पढ़ो, ये कुरान में लिखा हुआ है अल्लाह ने इंसान को अपना जैसे सूरत दिया, ये मुसलमान ग्रंथ में लिखा हुआ है, अल्लाह ने इंसान को अपना जैसे सूरत उन्होंने दिया है। इसलिए हमारे कोई भी क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू किसी ग्रंथ में नहीं बताया गया हमने कोई बंदर से हम हुए हैं, लेकिन ये नास्तिक, लेकिन देखो ये जो थ्योरी है ना, ये जो थ्योरी है ये भारत में पढ़ाया जाता है, लेकिन अमेरिका में जाओ किसी यूनिवर्सिटी में ये थ्योरी नहीं पढ़ाया जाता है, ये केवल भारत में ये थ्योरी पढ़ाई जाती है। और जिस देश में भगवान इतने बार जन्म हुए, कृष्ण राम जिस भारत में इतने बार जन्म लिए हैं, इसलिए कभी देखो यहाँ कहीं भगवान की तस्वीर होगा, देखो कृष्ण का, देखो ये कृष्ण का तस्वीर देखो, कहीं आज भगवान राम जन्म हुए, आप लोग राम को देखोगे नहीं, देखो भगवान, देखो भगवान राम है, आप अपना चेहरा प्रभु राम से मिलाओ, कृष्ण से मिलाओ, मिलेगा कि नहीं? देखो राम का जैसे नाक हमारे भी ऐसे नाक है, राम की दो हाथ हमारे कितना हाथ है, दो हाथ है, भगवान की जैसे छाती हमारा छाती, भगवान के जैसे प्यार हमारे भी ऐसे प्यार, भगवान की जैसे दो आग हमारा ऐसे दो आग। आप किसी बंदर को ला करके मिलाओ तुम्हारे शरीर में, बताओ बंदर का कौन सा अंग तुम्हारे शरीर में मिलेगा, बताओ बंदर का कौन सा अंग? एक समय साइंटिस्ट इन्होंने कोशिश किया बंदर का ब्रेन को इंसान का ब्रेन में लगाएगा, जब उन्होंने इंसान के ब्रेन में लगाया, लगाते ही जैसे बंदर छलांग लगाते ना, इंसान भी छलांग लगाना शुरू कर दिया,
इसलिए उसका कोई भी एक पार्ट्स कोई इंसान के पार्ट्स में लगा ही नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग ने कोई बंदर से नहीं हुए, हम किससे हुए हैं। इसलिए कहते ना तुम्हें वो माता च, जोर से बोलो, तुम्हें वो माता च, तुम्हें वो बंधुश्च, तुम्हें वो विद्या, तुम्हें वो सर्वम। इसलिए कहते हैं ना कि बात भगवान ने कहता है, कहते गीता में ये भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मैं ही जगत का पिता माता भाई, मैं ही जगत का पिता माता भाई हूँ। लेकिन हमारी साइंस कभी कभी कहता है, भगवान को देखे हो, भगवान को देखे हो, अगर जो चीज देखा नहीं हो चीज को हम स्वीकार कैसे करेंगे, जो चीज देखेंगे उसको स्वीकार करेंगे, देखो चीज को समझ लो। उनका थ्योरी में कुछ लोग पागल हैं और विशेष करके भारत के लोग हैं। आप तो किसी एक मुसलमान को कभी भी नहीं देखोगे वो अल्लाह के ऊपर में कोई अंगुल उठाता है। कोई भी एक मुसलमान को देख लो कभी भी अपना धर्म के ऊपर कभी अंगुल नहीं उठाएगा। लेकिन नालायक हिंदू है, इसे ऐसे नालायक हिंदू बने, जिस हिंदू धर्म में भगवान इतने बार आए वही लोग इन धर्मों पर, कि जो चीज देखा नहीं वो चीज को कैसे मानेंगे, कि चीज समझ लो। आप लोग हवा देख रहे हो, हवा दिख रहे हैं तुम्हें, लेकिन मानते कि नहीं हवा को, महसूस करते ना, दिखता है हवा नहीं दिखता है, मन को दिखता है मन, लेकिन मन एक चीज उसको मानते कि नहीं मानते हो, मानते हो। आप कहते ना इसका मन बहुत बड़ा है, बुद्धि दिखती है बुद्धि, हम कहते ना भैया जो बड़ा इंटेलिजेंट है, बोले दिखाओ कैसे इंटेलिजेंट, बोले खोपड़ी निकालो उसको मगज को निकालो दिखाओ, नहीं बुद्धि अहंकार, हम कहते हैं ना भैया ये बड़ा अहंकारी है, अहंकार कोई चीज दिखता है लेकिन हम उसको मानते कि नहीं मानते हैं। इसलिए जगत में बहुत सारी चीज जिस चीज को हम देखे बगैर मानते हैं। अगर हम बोले तुमने जब माँ से जन्म लिया था तुमने देखा ही माँ से जन्म ही हुए, तब तुम माँ को कैसे माँ बोलते हो, तेरे को पता ही है तेरे बाबा, तेरे को पता ही है तेरे पिता, तुमने देखा है पिता तुम्हारी, लेकिन हम मानते हैं कि मेरे पिता की मेरी माता, लेकिन देखे वगैरह मानते कि नहीं मानते हैं। इसलिए जगत में बहुत सारी चीजें है जो बिना देखे मानते हैं। एक छोटी सी कथा सुन लो, आप लोगों ने आइंस्टाइन का नाम सुने हो, ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। देखो हम अभी इसलिए ये बात को बोल रहा हूँ, ये सृष्टि कैसे हुआ इसलिए बोल रहा हूँ, कि आइंस्टाइन का नाम सुने होंगे। एक समय पृथ्वी का जितने साइंटिस्ट थे बड़े बड़े, न्यूटन आइंस्टाइन जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट, एक समय उन लोगों ने एक मीटिंग बुलाया। वो मीटिंग का उद्देश्य था क्या सचमुच से ये दुनिया को कोई बनाने वाले है, ना ये अपने आप बना हुआ, ना इसको पीछे कोई बनाने वाले, सारे साइंटिस्ट इकट्ठे हुए। लेकिन जो आइंस्टाइन है ना ये धर्म विश्वास था, मानता था जैसे मोबाइल इंटरनेट, लेकिन ये वैसे नहीं चल रहा है, ऊपर में सैटेलाइट छोड़ा हुआ है। देखना साधारण इंटरनेट मोबाइल चलाते हैं लेकिन आकाश में कोई एक मशीन छोड़ा हुआ है, वो काम करता है तभी ये चल रहा है। जगत में बिना कारण कुछ होता ही नहीं। इतने में आइंस्टाइन ने क्या किया, जो एक बहुत बड़े हॉल घर में जितने साइंटिस्ट इकट्ठे होंगे, ठीक दरवाजा में उसने एक सोलर सिस्टम बनाया बहुत प्यारा, कैसे झरना बह रही है, कौन सा ग्रह कहाँ पर कैसे कैसे काम कर रहे हैं, उन्हें बड़ा सुंदर बढ़िया से उन्होंने पृथ्वी का एक मैप बनाया। जब सारे साइंटिस्ट आए आकर के उसको देख करके चार तरफ में घेर गए, सबके सब चार तरफ में उन्होंने घेर गए, घेर घेर के उसको देखने लग गए। जब देखने लग गए इतने में उसको बाद वो मीटिंग हुई, भगवान है कि नहीं, ये दुनिया को पीछे कोई है कि नहीं। इतने में आइंस्टाइन ने बताए उनका जितने दोस्त है, बोले तुम लोग ने गेट में जब प्रवेश कर रहे थे देखा है कि सुंदर है कि मैप बना हुआ सोलर सिस्टम, बोले हाँ देखा है, वो तो बहुत बढ़िया बना है, बड़े सुंदर बना हुआ है। बोले देखो इतने में तब साइंटिस्टों ने बोले भैया इसको बनाया किसने, न्यूटन हमारे आइंस्टाइन ने कहा उसको किसने बनाया नहीं, वो अपने आप बना हुआ है, वो अपने आप बना हुआ है। सब साइंटिस्ट के तो क्या तू पागल हो गया, अपने आप कोई चीज बनता है, बिना बनाए कोई चीज अपने आप बनता है। तब आइंस्टाइन ने कहा देखो मैं तुम सबको इतनी सी बात समझाना चाह रहा था,
ये एक छोटी सी चीज है, बिना बनाए बन नहीं सकता है। और ये जो दुनिया चल रहा है देखना, हमें उठने पर भले ही 10 मिनट हम देर हो जाए, देखना सूर्य उदय होने पर 1 मिनट भी देर नहीं लगती। चंद्रमा को देखना, टाइम पर ये चंद्रमा उदय होता है। समुद्र में जुहार बटा देखना, अपने आप समय पर होता है। ये जितने ऋतुओं को देखना, एक बात दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, सारी ऋतु काम करती है। सब्जी देखना, हर समय एक सब्जी नहीं है, अलग अलग समय पर सब्जी। बोले क्यों? अगर रोज अगर बंद गोभी खाओगे, रोज अगर फूल गोभी खाओगे, हाँ अच्छी थोड़ी लगेगी। इसलिए भगवान अलग अलग समय पर अलग अलग सब्जी। आप एक फूल को देख लो, ये फूल में एक फूल सुंदर रंग भैया किसने भर दिया? तुमने भरा नहीं, हमने भरा। ये जगत में देखो, जैसे ये बिल्डिंग बना हुआ, अगर किसने बोला ये बिल्डिंग बनाया, किसने बोले किसने बनाया नहीं, उसको पागल मानेंगे सब, उसको पागल मानेंगे। इसलिए उसको पीछे जरूर कोई है इसको बनाया। भैया ये साधारण बिल्डिंग को बिना बनाए नहीं बन सकता है। और दुनिया में हवा सही समय पर बहती है, चंद्रमा सही समय पर उदय होता है, इसका पीछे कोई नहीं। अपनी आप सारी मत भैया कहती अग्नि स्मरत इंद्र मृतु शरद मत भैया कहती है श्लोक को। भगवान अपना माँ को कह रहे, बोले माँ इस जगत में जो कुछ हो रहा है, बोले मत भैया बाती बात हो, बोले मेरे आदेश पर ही हवा बहती है, मेरे आदेश पर ही अग्नि जलाती है, मेरे आदेश पर सूर्य उदय होता है, मेरे आदेश पर ये चंद्रमा उदय होता है। बोले माँ मेरी इच्छा के बगैर ये दुनिया में कुछ भी नहीं होता। अब लोग एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण हम लोग कोई भूल नहीं रहे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अरे एक बार सबके सब बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ देखो, आपको और एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। देखो ये स्टोरी को सब याद रखना, ठीक है ना? क्योंकि जो लोग भगवान की मानते हैं, धर्म को मानते हैं, कभी कभी देखना ऐसे कुछ नास्तिक लोग होते हैं जो उनकी भावना को ऊपर में आघात करते हैं। आपको एक छोटी स्टोरी, आप लोग ने अकबर का नाम सुने हो? कौन कौन अकबर का नाम जानते हैं? आप लोग ने बीरबल का नाम सुने हो? कौन कौन बीरबल का नाम जानते हो? एक समय अकबर बीरबल को दो प्रश्न करता है, ध्यान देकर सुनो। उसका पहला प्रश्न था, भगवान है तो कहाँ है? दूसरी प्रश्न थी, अगर भगवान है तो अभी क्या कर रहे हैं? इनका ये दो प्रश्न था। बोले देख बीरबल, यदि ये 2 दिन में इसका आंसर तुम्हें देना पड़ेगा, अगर 2 दिन में इसका आंसर नहीं दोगे ना तेरी नौकरी जाएगी। अभी बीरबल घर में आकर तो गुमसुम हो गया, खाना पीना छोड़ दिया। उसका घर में एक छोटा बच्चा था, बोले क्या हो गया पिताजी ऑफिस से आए और गुमसुम हो गए, खाना पीना छोड़ दिया कि? बच्चा ने पूछा, पिताजी क्या बात है, अब आकर गुमसुम कैसे हो गए हो? बोले बेटा तू ये बात को नहीं समझ, तू जा। बोले पिताजी बताओ ना बात क्या है? बोले बेटा राजा ने मेरे को ये 2 प्रश्न किया है और इसका आंसर हमें 2 दिन में देना पड़ेगा, कहते नहीं तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। अभी मेरे को क्या पता भगवान ये तो कहाँ पर कर रहे ही क्या, हमें क्या पता। वो बच्चा ने कहा, पिताजी इतनी सी छोटी सी बात के लिए आप इतना चिंतित हो गए? कोई चिंता मत करो, खाओ पियो आनंद लो, जब 2 दिन बाद में जाओगे ना मेरे को साथ में ले चलना, मैं इसका आंसर दे दूंगा। बोले तू दे दोगे? बोले पिताजी कोई बड़ा बड़ी क्वेश्चन थोड़ी है। अभी 2 दिन बाद में बीरबल गया, अकबर ने उसको पूछा, बोले 2 प्रश्न का आंसर लेकर के आया कि नहीं? बोले ये तो छोटा बच्चा भी मेरा ये आंसर दे सकता है। बोले बटना दे देगा? बोले हाँ। तो उन्होंने पूछा, बेटा बताओ भगवान है तो कहाँ है, भगवान है तो कहाँ है? देखो इसको अच्छे तरह सुन लो,
बोले महाराज जी आप 10 किलो दूध मंगाओ। तब उन्होंने 10 किलो दूध मंगाए। बोले महाराज जी ये दूध में घी है? बोले है। बोले मेरे को दिखाओ ये दूध में घी कहाँ, मेरे को दिखाओ। बोले ऐसे थोड़ी घी निकलेगा, पहले उसको गर्म करो, फिर जम्बाओ, फिर मंथन करो, मक्खन निकलेगा, उसको गर्म करो, फिर जाकर घी निकलेगा। बोले महाराज आप बता रहे हो भगवान है कहाँ, जिनको पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि इतने कठोर तपस्या की, वाल्मीकि ने इतनी कठोर तपस्या की, उसको शरीर वाल्मीकि नाम क्यों पड़ा, सारा दीमक दीमक सारा शरीर ही चाट दिया, ऊपर में एकदम मिट्टी की ढेर बन गई। ब्रह्मा जी इतने कठोर तपस्या किया, शास्त्र कहता है जिनको जीव एक बार अगर प्राप्त कर ले संसार का सारे दुख कष्ट से, जीव मुक्त होकर के परम आनंद को प्राप्त करता है, एक बार अगर प्रभु को प्राप्त कर ले। आप कह रहे हो भगवान का ये थोड़ी कोई लड्डू है, साधारण दूध में घी है, लेकिन तो प्रोसेस है, पहले गर्म करो, फिर उसको जमवाओ, फिर मंथन करो, घी निकले मक्खन पर गर्म कर, साधारण दूध में घी है लेकिन उसका क्या प्रोसेस है। लेकिन आप कह रहे हो भगवान ये क्या कोई लड्डू है बनाया और खा लिया। महाराज जी उसके लिए साधन की जरूरत है, उसके लिए साधन करो तब एक दिन भगवान दर्शन देंगे। जब ये बात बताया ना राजा तो खुश हो गया, बोले छोटा बेटा तो बढ़िया आंसर दिया है। फिर उसने दूसरा प्रश्न किया, बताओ दूसरा प्रश्न क्या किया, बोलो दूसरा प्रश्न क्या था। भगवान है तो क्या कर रहे हैं? बोले महाराज कौन प्रश्न कर रहा है? बोले मैं। बोले आंसर कौन देगा? बोले तू। बोले जो प्रश्न करता है वो होता है स्टूडेंट, जो आंसर देता है वो टीचर, और टीचर कहाँ बैठता है, स्टूडेंट कहाँ बैठता है? क्या टीचर बैठता है ऊपर सिंहासन में अपना कुर्सी में, और स्टूडेंट नीचे होता है? लेकिन आप तो बैठे हुए सिंहासन में और मैं टीचर हूँ, आपका आंसर दूंगा, अब मैं नीचे खड़ा हूँ। कहते ये बिहेवियर नहीं है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन अगर तुम्हें ब्रह्म विद्या पाना तो तीन प्रोसेस है, ऐसे नहीं बताओ भगवान कहाँ है कैसे मिले, नहीं। कृष्ण कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये ब्रह्म ज्ञान है, वो कोई साधारण ज्ञान ही, बताओ कहाँ, इतना आसान वस्तु नहीं। पहले जाओ, पहले प्रणाम करो गुरु जी को, उनकी सेवा करो, जब जाकर वो प्रसन्न होंगे फिर तुम्हें उतर देंगे। ये ब्रह्म विद्या अपने आप नहीं मिल जाती है, ये ब्रह्म विद्या है, ये कोई साधारण विद्या नहीं है। आप देखना साधारण विद्या पढ़ने के लिए CA डॉक्टर बनने के लिए 25 साल तक कितने लाख रुपया खर्चा, कितने टेंशन, कितना किया करके जाकर कोई नौकरी प्राप्त कर दो पैसा के लिए। अब पैसा पाकर कोई खुशी है बताओ? पैसा पाकर के नौकरी करके खुशी हो? कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई परिवार से दुखी, दुखी दुखी दुखी। और जिस भगवान को पाने पर जीव ये जन्म मृत्यु का चक्कर से निकल जाए और ऐसे वो ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगी। फिर बोले क्या करना पड़ेगा? बोले अगर इसका आंसर सुनना चाहते हो ऊपर से नीचे उतर और मेरे को ऊपर बैठाओ और मेरे को हाथ जोड़ करके प्रश्न करो। अभी राजा तो फंस गया, ये राजा तो फंस गया बुरी तरह से। बोले अभी राजा ने नीचे उतरा और वो बच्चे को सिंहासन में बैठाया, इतने में उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया। बोले अभी बताओ भगवान है तो क्या कर रहे हैं? बोले यही तो कर रहे हैं। बोले क्या कर रहे हैं? बोले एक सेकंड में वो रंक को राजा बना सकते हैं और राजा को रंक बना सकते हैं। अभी अभी एक मिनट पहले आप सिंहासन में बैठे हुए थे, ठाकुर जी आपको नीचे उतार दिया और मेरे को ऊपर बैठा दिया। एक मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं। राजा तो खुश हो गया इसका आंसर सुनकर। इसलिए कोई कोई कहते भगवान कहाँ है दिखाओ, अरे लड्डू थोड़ी है, ये लड्डू नहीं बनाया और खा लिया, इसके लिए साधन की जरूरत है। इसलिए देखो हम भगवान को कब मानते हैं, आप देखना जब ज्यादा विपत्ति आ जाए ना, जो कि हमारा हाथ से जो बाहर चले जाए, जब तक का अपना क्षमता तब तक करते रहते हैं, जब देखते हैं अपना हाथ से बाहर चला गया कहते हैं ठाकुर जी आप ही रखें, ठाकुर जी आप ही बचा सकते हो,
ठाकुर जी आप ही सब कुछ हो, तब भी जाकर के ठाकुर की चरण में हमारी शरणागत होता है। जब तक ताकत होता है ना, तब तक तो करते रहते करते रहते हैं, लेकिन जब सारी ताकत खत्म है फिर जा करके ठाकुर जी के शरण में हम जाते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोग कहाँ से जन्म हुई है, मनु महाराज से, इसलिए हमको मनु के हम मानव कहते हैं। देखो आपका गोत्र क्या बता सकता हूँ, कश्यप। आपका गोत्र क्या है, भारद्वाज। आपको गोत्र क्या है, आप लोगों का गोत्र, आप देखे ना सबको गोत्र पूछो ना, सब अलग अलग गोत्र बताओ, गोत्र आया कहाँ से। जब ब्रह्मा जी जब उन्होंने 10 पुत्र को उन्होंने संतान सृष्टि की है, अभी जो वशिष्ठ की परंपरा से आए उनकी संतान के वशिष्ठ परंपरा है, जो भारद्वाज की परंपरा से आए वो भारद्वाज हो गए। इसलिए ना भारत में सभी का गोत्र है, गोत्र वही से आया, ये मनु महाराज से आए। इसलिए श्री मनु महाराज जी एक ग्रंथ लिखे हैं, उसका नाम मनु संहिता। अभी कोई कोई कहेगा ना शास्त्र तो इंसानी नहीं है, किसने शास्त्र लिखे, कोई कोई कहते नहीं भैया शास्त्र नहीं होता ना, कुत्ते जैसे व्यवहार करता हूँ, हमारा व्यवहार कुत्ते जैसे हो जाता, हम जानते हैं मेरी माँ है, ये मेरी पिता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बच्चे हैं, ये मेरी भाभी है, ज्ञान किसने दिया है, ये भगवान राम ने अवतीर्ण होकर आज प्रभु का जन्म तिथि है, रामायण देखेगी नहीं, किसको प्रति हमें कैसे व्यवहार करनी चाहिए, ये हमारे शास्त्र ने और मनु महाराज ने एक एक चीज लिख कर दी, इसलिए उनको मनु स्मृति कहते हैं। किसको प्रति हमें कैसे व्यवहार करनी चाहिए, सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छूनी चाहिए, चरण छूनी चाहिए, पिता माता को आदर करनी चाहिए, इसको मनु संहिता बताए। इसलिए ये ग्रंथ नहीं होता ना, हम जानवर बनकर के कुत्ते कुत्ते जैसे घूमते हैं, हम ऐसे ही घूमते हैं। इसलिए ये शास्त्र हमारी मूल आधार है, इसको चल करके चलेंगे तो जैसे हम बताए ना, जैसे कि मशीन है, ये मशीन जिसने बनाया आप उसका एक मैनुअल भी उन्होंने बनाया, और ये मैनुअल को अगर पढ़ करके अगर मशीन को चलाएंगे वो मशीन हमारी सही चलेगी, अगर बगैर मैनुअल के अगर अपने आप चलाओ तो खराब हो जाएगा। इसलिए भगवान ने जब ये दुनिया को सृष्टि की उन्होंने एक मैनुअल भी बना कर गए हैं, ये वेद है, पुराण है, गीता है, रामायण उन्होंने बनाई। बोले भैया इसके अनुरूप अगर चलोगे ना संसार में शांति सुख में रहोगे, संसार में आनंद में रहोगे, अगर इसको अगर अनादर करोगे दुखी दुखी भोग करोगे। इसलिए हमें शास्त्र का अनुरूप हमें चलनी चाहिए, इसमें ही हमारी शांति और सुख मिले। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम। आज बहुत सारे भगवान जन्म लेने वाले हैं, कन्हैया भी जन्म लेंगे, आज बहुत बढ़िया तिथि है, आज भगवान राम का जन्म तिथि है, अरे भगवान आज श्री बामन देव भी जन्म लेंगे, आज बहुत सारे भगवान जन्म लेने वाले हैं। सिया यहाँ पर है कि नहीं, अभी हॉस्पिटल में गई कि नहीं, आ गई कि नहीं, इसलिए इसको इसको जो सिया राम है ना इनको जाकर के सजा दो, सबसे पहले इनकी कथा सुनेंगे, ठीक है, जाओ बढ़िया रूप में सज करते हैं। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। वृंदावन अरमुपुरी बरसाना नंद की ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मथुर ब्रज वनिता सब पुष्प है मधुकर गोकुल चलूं। आइए वृंदावन को जाएंगे, जाएंगे
देखो वृंदावन जाना है कुछ देर में, रसगुल्ले की कथा है। रसगुल्ले मतलब जिधर से सुना उधर से ही मीठी, जिधर से सुना उधर से ही मीठी है कथा। अभी कुछ देर बाद रसगुल्ले की कथा है, इसलिए वृंदावन जाना अति आवश्यक है। तो चलिए सभी लोग ताली बजाकर नाचते भरे श्रीधाम वृंदावन जाएंगे। अरे दीवाने मन राधे राधे, दीवाने मन राधे राधे, दीवाने मन राधे राधे, दीवाने मन राधे Oh,
बोलना जितने आसानी, इतना करना इतना आसानी नहीं है।
क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, अब कैसे करे भजन करो। तब भगवान ने कहा माँ एक उपाय है कि संत के संग लागिए तेरी अच्छी बनी। तुम कर संतों की संग करते हुए मेरी कथा सुनो, जब तुम संतों का संग करोगे क्या मिलेगा? बोले अर्ग वर्ग में, बोले पर्ग पर्ग, अब हिंदी पढ़े होंगे, पर्ग में प फ प भ और म। भगवान कहते माँ अगर सत्संग करोगे ना ये पांच चीज बहुत नष्ट हो जाएंगे। प मतलब परिश्रम, भ मतलब भेद व झांक, बोले ब मतलब व्यर्थता, बोले भ मतलब भय, माँ मतलब मृत्यु। अगर तुम सत्संग करोगे ना संसार का परिश्रम तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा। संसार में करोगे परिश्रम किंतु जो कुछ करके ठाकुर जी के लिए करोगे, भगवान के लिए करोगे, भगवान के लिए जो कष्ट है ना, अब इसी दुनिया में देखो जैसे पत्नी अगर थोड़ी ज्यादा कष्ट करती है ना पति खुश हो जाती है कि नहीं देखो मेरे लिए कितने परिश्रम करती है। जब तुम ठाकुर के लिए परिश्रम करोगे भगवान खुश होगा। लेकिन ये दुनिया कुछ देने वाले नहीं, ठाकुर देने वाले ठाकुर है। ये जगत में हम किसको खुश नहीं कर सकते, लेकिन ठाकुर के लिए करो ना भगवान खुश हो जाते। बोले प मतलब परिश्रम, भ मतलब फेन, फेन मतलब झान। देखना कभी कभी संसार में हम इतने परिश्रम करते हैं ना मुंह से झांक निकल जाती है। कहते माँ जब ठाकुर जी देखेंगे उनके लिए करते हो प्रसन्न हो जाएगी। बोले मतलब व्यर्थता, लेकिन जब संतों का संग होगा फिर तो सब कुछ भगवान के लिए करोगे तो व्यर्थ नहीं होगा। बोले भ भ मतलब होता है भय। माँ संसार की कोई तुम्हें भय नहीं रही। माँ मतलब मृत्यु, बोले माँ ये जन्म मृत्यु चक्कर से चिरकाल के मुक्त हो जाओगे। इसलिए माँ तू संतों की संग करो, संत की संगत ही नहीं तुम्हारी कल्याण होगा। भगवान ने माँ को बड़ी सुंदर सुंदर माँ को उन्होंने उपदेश दिए और भगवान चली गई कहाँ गंगा सागर में। अभी मकर संक्रांति में एक बार ठाकुर जी के वहाँ दर्शन हुए। अभी इसमें कथा आती है श्री ध्रुव महाराज की कथा आती है। इन्होंने 5 साल उम्र में ही भगवान को भक्ति उन्होंने प्राप्त कर ली है। कहते श्री उत्थान पात के तथे दो पत्नी, एक सुरुचि और एक सुनुचि। उत्थान पात मतलब, उत्थान मतलब ऊपर, पात मतलब होता है प्यार, जिनके प्यार ऊपर है। देखना जब हम माँ के पेट में होते हैं हम प्यार ऊंचा सर नीचा होता है। मानो ये जीव उत्थान पात है। कहते इनकी दो पत्नी, एक सुरुचि और एक सुनुचि। देखना हमारे भी दो पत्नी है। बोले सुरुचि मतलब बोले स्वस्थ रुचि, बोले मनमानी ढंग से चलना, शास्त्र भाषा से कोई मतलब नहीं। सुनीति मतलब जो अच्छी मार्ग पर चले। सुनीति के बेटा कौन हुई? बोले ध्रुव। अगर जीवन में अच्छे रास्ता पर चलोगे फल क्या मिलेगा? बोले ध्रुव। ध्रुव मतलब अभी भी देखते हैं ना ध्रुव तारा को, अभी भी चमचमाते, सबसे ज्यादा प्रकाश ध्रुव है। देखना सारे ऋषि मंडल उनकी परिक्रमा करते हैं। बोले कब से? बोले सत्ययुग से, सत्ययुग से। इसलिए अभी भी अमर रूप में हम उनको ध्रुव तारा बोल करके हम उसको पुकारते हैं। कहते अगर जीवन में तुम सत नीति अपनाओगे, कहते ये सुनीति मतलब बढ़िया नीति। बोले सबसे बढ़िया नीति किसी भी, बोले नीति तो बहुत है, चाणक्य नीति भी है, हैं इसलिए कूट नीति भी है, लेकिन सबसे जो बढ़िया नीति विदुर नीति बताए। आप विदुर का नाम सुने होंगे, ये कभी भी अधर्म का मार्ग पर कभी गए नहीं। जन्म लिए तो छोटे जाति पर हर समय उन्होंने पांडव का पक्ष लिया, धर्म का पक्ष लिया, कभी भी उन्होंने दुर्योधन का पक्ष नहीं लिया। इसलिए उन्होंने पांडव का पक्ष लिया, इसलिए दुर्योधन लास्ट में निकाल दिया उसको, लेकिन तब भी उसने कभी धर्म मार्ग नहीं छोड़ा, कभी भी धर्म मार्ग को नहीं छोड़ा। इसलिए कहते ना सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन को मेवा त्याग साग विदुर घर का। इसलिए ठाकुर जी एक दिन उसको घर में आकर साग भाजी केले का छिलका खाएंगे। इसलिए कहते भैया जीवन में जितने बड़े विपत्ति में पड़ने पर भी कभी सुनीति को छोड़ना नहीं, हर समय सुनीति को अपनाओ, फिर तो तुमको ध्रुव नाम की संतान मतलब जगत में तुम्हारी जय जयकार होगी। जगत में देखो जिन लोगों ने सुनीति का अपनाया, हनुमान जी को देखो, मीरा को देखो, ध्रुव जी को देखो, वाल्मीकि को देखो, प्रहलाद को देखो, सारा दुनिया में उनके नाम ही नाम हो, सारा दुनिया जिनकी पूजा करते हैं। एक दिन एक छोटा भैया बैठा हुआ था कहाँ पर, पिताजी की गोद में। अभी ध्रुव जी बैठना चाहते हैं,
भी माता ने गाली की, बोले खबरदार तपस्या करके मेरे कोख से जन्म लग तब पिताजी गोद में बैठ सकते हो। वो बड़ी दुखी होकर माँ को बोली, लेकिन माँ तो सुनी थी, वो दुर्नीति तो है नहीं, अगर दुर्नीति होती तो क्या बोलती। बोले तू बड़ा भैया, तेरे अधिकार राज गति में, तू राज क्रोध सुन कर दे। लेकिन हमने ये नहीं बताया। बोले देख बेटा, तेरे माँ एक अच्छी बात बोलता है, बोले भगवान की भजन करो और मेरे कोख से जन्म लो। पर उसने जो भक्ति की बात बताई, अच्छी बात बताई। बोले देख बेटा, पिता कब तक रहेंगे, राज्य कब तक रहेगा, ऐसे एक पिताजी गोद में बैठो, बैठोगे ना कभी उतरने का जरूरत नहीं, इससे करोड़ों गुण स्नेह देंगे। बोले कौन, बोले पद्म पलाश लोचना श्रीहरि। बोले कहाँ मिलेंगे, बोले बेटा उसके लिए तपस्या करना पड़ेगा। उन्होंने माँ को परिक्रमा की, माँ को आशीर्वाद लेकर गए। देखो यहाँ सिक्ख्या देते हैं, देखो यहाँ पर हर जगह पर सिक्ख्या देते हैं, कोई भी काम करना पिता माता के आशीर्वाद जरूर हो। अब देखना पिता माता की आशीर्वाद लेने से कहते चार चीजें आपको मिलेगा, बोले बल, वीर्य, पौरुष, धन, ये सब चीज जस, ये सब चीज पिता माता की आशीर्वाद से मिलती है। अब लोग पिता माता की चरण छूते हो, कौन कौन छूते हो, हाथ उठा दो, कौन कौन पिता माता की चरण छूते हो। इसलिए उन्होंने माँ की आशीर्वाद लेकर गए और उन्होंने भगवान को पाने के लिए उतावला हो गए। लेकिन अभी तक उन्होंने गुरु नहीं किया, लेकिन कहते ना बिनु गुरु भवन निधि तरई न कोई, जो बिनी चीज शंकर सम होई। कहते ब्रह्मा शंकर जैसे हो जाए, जब तक गुरु नहीं करेगा तब तक संसार से पार नहीं हो सकता। लेकिन अभी तक उसने सदगुरु ही नहीं अपनाया। लेकिन नियम तो गुरु करने चाहिए, लेकिन एक विचार भी है, कहते ना गुरु कर जान के और पानी पियो छान के। गुरु करनी चाहिए, जहां तहां मना करते हैं, सोच विचार करके गुरु करनी चाहिए। इसलिए शास्त्र में गुरु जी का तीन लक्षण बताया भागवत में, बोले तीन लक्षण क्या है, बोले सप्तः परेच निष्णातम ब्रह्म निरूप समास। सर्वप्रथम गुरु है, गुण है, सारे शास्त्र भी होनी चाहिए। क्यों, अगर शास्त्र में प्रवेश नहीं हो तुम्हारी शंका को दूर नहीं कर सकते। लेकिन सारे शास्त्र जानना क्या सब कुछ, बोले नहीं, ये बाहर का लक्षण है। बोले अंदर का लक्षण क्या है, कहते उसका असली लक्षण क्या है, भजन परायण होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बोले दूसरों को उपदेश देते हैं और अपना जीवन में कुछ आचरण नहीं करते। मूल है आचरणशील होनी चाहिए, सचमुच से 24 घंटा में 24 घंटा भगवत भक्ति में लगे हुए कि नहीं, ना केवल दूसरों को उपदेश देते हैं। और जो तीसरा लक्षण है, ये माया से पर उठनी चाहिए, मतलब माई की वस्तु में उनकी लोभ नहीं होनी चाहिए। ये तीन गुण होनी चाहिए। प्रभु जी सामने आ जाओ, हरे कृष्णा, अगर वहाँ जगह नहीं है तो सामने आ सकते हो। इसलिए यहाँ पर श्री जब उतावला हो गए, अभी श्री भगवान एक दिन वैकुंठ में चंचल हो गए। जब चंचल हो गए, लक्ष्मी बोली प्रभु आप इतने चंचल क्यों हो रहे हो। बोले कि छोटा सा बच्चा मेरे को पाने के लिए कठोर तपस्या कर रहे हैं। बोले प्रभु दर्शन दो। बोले अभी तो गुरु नहीं किया, जब तक गुरु नहीं करता है, कहते ना गुरु गोविंद दो खड़े का के लाग पाओ बलिहारी श्री गुरु जी जो गोविंद देवता। बोले अभी इसने गुरु ही नहीं किया, बोले आपकी इच्छा से तो हो जाते हैं। फिर उन्होंने नारद जी को स्मरण किया, नारद जी आए। फिर नारद जी बड़े ठोक पीट करके परीक्षा लिया, ऐसे नहीं दे दिया, बड़े परीक्षा उन्होंने लिया ले करके। फिर उन्होंने ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र दी और बोले जाओ मथुरा में चले जाओ, मधुबन में, वहीं पर तपस्या करो। पहला महीना में 3 दिन को बाद में एक बार पैर फल खा करके भजन में बैठते थे। दूसरे महीना में 6 दिन को बाद में कहते केवल सूखे पत्ते खा करके। तीसरे महीना में केवल पानी पी करके 9 दिन के बाद में। चौथा महीना में केवल हवा एक बार लेकर के। पंचवा महीना में हवा भी छोड़े। छठवा महीना में तो प्राण पाई को रोका, सारा दुनिया का हवा ही रुक गई। इतने में सारे देवता हाहाकार करते हुए भगवान के पास में गए। फिर भगवान आकर के श्री ध्रुव जी को दर्शन प्रदान करते हैं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। जब से ध्रुव महाराज जी को आशीर्वाद दिए, दर्शन दिया, उनको भक्ति प्रदान की, बोले तुम्हें क्या चाहिए ध्रुव बताओ। बोले मेरे को आपका भक्तों का संग दो। बोले क्यों, जब मैं ही मिल गया फिर भक्त संग क्यों चाहते हो। बोले प्रभु आप तो आपका कथा नहीं सुनाओगे ना,
आपका भक्त आपकी कथा सुनाएंगे, आपकी भक्तों की मुखार बिंद से आपकी कथा रूपी मंदाकिनी की नदी जो बहती है उसमें गोता लगाते रहो ना, इतना ये मन अपने आप प्रभु के भजन में लग जाएंगे, इसलिए आपके भक्तों की संगत चाहिए। बोले ठीक है। तो उन्होंने आशीर्वाद दिए, जाओ ये संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर में राजत्व करो, 36 साल तक तेरे लिए एक नया वैकुंठ बनाऊंगा जो ध्रुव लोक नाम से ख्यात होगा। जब ध्रुव महाराज जी वापस आए, उनको पिताजी सिंहासन में बैठा कर भजन करने के लिए चले गए। जब चले गए 36 हजार के बाद में फिर रथ वैकुंठ से आए। बोले वैकुंठ के रथ में गए तो वैकुंठ में चलो, काल स्वयं आ गया। बोले ध्रुव कहाँ जा रहे हो? बोले वैकुंठ। बोले मैं स्वयं काल हूँ, ये जगत में जन्म लेने पर मरना पड़ता है, लेकिन देखो ये भक्ति में कितने शक्ति देगा। बोले यहाँ बैठ जाओ। ध्रुव महाराज जी ये शरीर को छोड़े थे, इसी शरीर में उन्होंने काल के सर पर प्यार रखा, सीढ़ी बना करके जब वैकुंठ में जब उन्होंने सिंहासन में बैठे, इतने में मैया की याद आ गई। बोले मेरी मैया कहाँ गई, मेरी मैया कहाँ गई। इतने में विष्णु दूत ने कहने, भैया मैया को क्यों ढूंढ रहे हो? देखो जितने माताएं ध्यान देकर सुनो, ये आपकी काम है। बोले मैया को क्यों ढूंढ रहे हो? बोले आज जो मेरे को प्रभु मिले ना, माँ के आशीर्वाद से, माँ ने मेरे को भजन का रास्ता दिखाया, तब भी मेरे को ठाकुर मिले, इसलिए माँ को लिए बगैर मैं वैकुंठ नहीं जाऊँगा। मेरी माँ कहाँ है? विष्णु दूत ने कहा, देखो ऐसे जो माँ जो बच्चों को प्रभु की भजन के मार्ग दिखाए, देख बेटा जो पहले जो रथ है ना उसमें तेरी मैया जा रही है, तू आगे नहीं तू पीछे पीछे जा रहे, आगे नहीं जा रहे तुझको पीछे पीछे, माँ को पीछे क्यों? तेरे को किसी ने गर्भ में धारण नहीं किया? बोले माँ ने। प्रसव पीड़ा किसने सहने की? बोले माँ ने। किली में सो करके सुखा में तेरे को किसने सुलाया? बोले माँ ने। मुंह में खाना किसने दिया? बोले माँ ने। बड़ा किसने किया? बोले माँ ने। इसलिए माँ पहले उसको बाद में तू जाओ, इसलिए उन्होंने माँ को पीछे पीछे उन्होंने वैकुंठ गए। देखो अगर बच्चे को आप भक्ति की शिक्षा दोगे ना, पहले आप वैकुंठ जाओ उसको, बाद में तुम्हारी बच्चा, पहले बच्चा नहीं पहले माँ जाए। हाँ इसलिए भागवत में बताए नरसिंह भगवान, जिस वंश में एक बेटा प्रभु की भक्ति करते हैं उसको 21 पीढ़ी उद्धार हो जाते हैं। बोले नृत्य स्वर्ग के पितर पितरे शाम जो पहले चले गए ना वो नाचना शुरू कर देते हैं, अहो भाग्य है हमारी वंश में भक्ति करने वाला बच्चा जन्म लिया, इतने सौभाग्य है। देखो और एक चीज को ध्यान दे, अगर बच्चा गलत रास्ता पर गया, शराब पिए, मांस खाए, जुआ खेले, अगर गंदा काम किया, तो जैसे पुण्य भोगोगे ना उसका पाप भी तुम्हें लगा पड़ेगा। देखो ये पुराण में कथा है, एक समय कोई एक योगी स्वर्ग में पहुंचा, एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करके वो स्वर्ग में गया, सोने के सिंहासन में बैठा हुआ है और उनको अप्सरियां उनको चामर भजन करा रही थी, लेकिन वो स्वर्ग में बैठ बैठ करके रो रहा था। वो योगी ने कहा, भैया क्यों रो रहे हो? इतने पुण्य कर्म करके आए हो तो यहाँ पर क्यों रो रहे हो? बोले मैंने बहुत दान पुण्य किया इसलिए स्वर्ग में आया, लेकिन मेरे से भी गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई? बोले बच्चों को मैंने सद्मार्ग नहीं दिखाया, अभी मैंने जो पैसा छोड़ करके आया बच्चे उससे शराब पी रहे हैं, उससे मांस खा रहे हैं, उसको जुआ खेल रहे हैं, चूंकि मैंने ही पैसा छोड़ करके आया, वो मेरा पैसा था, अब मेरे पैसा को ये गलत रास्ता पर लगा रहे हैं, इसका पाप मेरे को स्वर्ग में भी नहीं छोड़ रहा। अब समझ रहे कि नहीं? इसलिए आज रामायण भगवान राम जन्म लिया ना, बोले जिस समय राम सीता वनवास जा रहे थे, इतने में लक्ष्मण प्रभु राम के पास में आए। बोले भैया मैं आए अपना माता सुमित्रा के पास में। बोले माँ मेरे को आदेश दे, भाभी भैया की सेवा करने के लिए जाऊँ। सुमित्रा इतने खुश हो गई सुमित्रा, वो कहती हैं, पुत्रवती जुवती जगसोई, रघुपति भक्ति जासु सुतोई। बोले बेटा आज तेरे जैसे बेटे को जन्म दे करके मेरे में फूले नहीं समा रहा, तभी बच्चे को जन्म देना सार्थकता है। अगर बच्चा अगर प्रभु का भक्त बने, और दूसरी लाइन में कहती है, अगर बच्चे को तुमने भजन नहीं कर पाया, बच्चे को तुमने भक्ति में नहीं लगा पाए, वो दूसरी लाइन में कहती है, वो माँ को बांझ रहना सही है, वो माँ को बच्चे जन्म नहीं देनी चाहिए, मना करती है सुमित्रा। बोले क्यों? बोले इतने कष्ट करके बच्चे को जन्म दोगे, खिलाओगे, फिर नरक जाओगे उसके लिए, क्यों फिर बच्चे जन्म दोगे?
इसने सुमित्रा कह दिया तभी बच्चे को जन्म दो, अगर भजन में लगा पाओगे तो बांध रहो, बच्चे जन्म मत दिया कर, मना कर देगी, क्योंकि गलत रास्ते पर जाएगा, पाप करके भैर भोगना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर अगर बच्चे को भक्ति मार्ग में चलाओगे, आप भी कल्याण, बच्चे के भी कल्याण, घर तो भगवान की धाम बन जाएगा घर। बलसी वृंदावन बिहारी लाल की, तैयारी हो लोग में बावन देखो तैयारी है। हाँ देखो अभी भगवान बावन आएंगे, उसके बाद में फिर सीताराम भी तैयारी है कि सजा रहे हैं ना। हाँ देखो अभी भगवान बावन आ रहे हैं, उसको छतरी धार में सर पर छतरी पकड़ा देना, हाथ में कमर मत देना। बलसी बावन भगवान की, बलसी सियावर रामचंद्र की, कोई जय जय नहीं देगा। ब्लसी सियावर रामचंद्र की, ब्लसी बामन भगवान की, हरे कृष्णा। हाँ देखो ये देवता दैत्य में जब लड़ाई होती है, माइक वाला, जब देवता दैत्य में जब लड़ाई होती है, इसलिए देवता दैत्य में जब लड़ाई होना, अगर देवता मर तो मर जाए, दैत्य मर तो इनका गुरु शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र से जिंदा कर देते। एक समय ये देवता लोग ठाकुर जी के पास मिल गए, बोले हम अमर कैसे बनेंगे, बोले समुद्र मंथन करो, अमृत निकलेगा ना उसको पी करके अमर हो जाओ। समुद्र मंथन की सबसे पहले जहर निकला 20, अब ये 20 को कौन पान करेगा। श्री शंकर जी को प्रार्थना की, शंकर जी टन के टन उन्होंने जहर पान कर लिया, और कहां पर रखे, अपना गले में रखे तो उनका गला नील पड़ गया, इसलिए शंकर जी का एक नाम नीलकंठ है। बोले श्री नीलकंठ महादेव की, फिर समुद्र मंथन हुई, फिर समुद्र मंथन से दिव्य रत्न निकली, फिर माँ लक्ष्मी निकली। अरे बताओ लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए, दुनिया को लक्ष्मी चाहिए, सबके सब लाइन में खड़े हो गए, हमें लक्ष्मी। लक्ष्मी बोली ऐसे नहीं, सबके सब लाइन में खड़े हो जाओ, मैं अपना मनमर्जी पति को चुनूंगी। लक्ष्मी बरमला लेकर के सबको पास में गई, लेकिन सभी में कुछ ना कुछ कमी दिखी। लेकिन जब प्रभु नारायण को पास में पहुंचे, देखा अगर कोई सर्वगुण संपन्न नहीं, अगर सबसे कोई सुंदर है ना, ये प्रभु नारायण है, तो उन्होंने नारायण के गला में माला डाल दी। बोले श्री लक्ष्मी नारायण की जय। फिर मंथन हुई, अमृत निकला, अमृत के लिए तो मंथन कर रहे थे, अभी देव दैत्य लोग तो जोर जबरदस्त छीन लिए। जब छीन लिए, इतने में भगवान ने देखा अगर ये दैत्य लोग अमृत पिएगा अमर बन जाएंगे, अमर बनेंगे तो दुनिया के लिए हानिकारक। फिर भगवान श्री मोहिनी अवतार लेते हैं। बोले श्री मोहिनी भगवान की जय। अभी ये मोहिनी इतने सुंदर थी, अभी कोई पर रुक लो, अभी 2 मिनट बाद में बुलाऊंगा, पावन करके वहीं पड़ेगा, अभी बुलाऊंगा। इसलिए भगवान मोहिनी इतने सुंदर थी, वो आपस में जो लड़ाई कर रही थी ना, वो लड़ाई करने से भूल गई, वो तो मोहिनी को देखने लग गए। क्यों, भगवान स्वयं मोहिनी है, इतने सुंदर थी। अभी मोहिनी बोली भैया ये क्या बात, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग, लगते हो क्या। बोले आपस में हम दो भाई लगते हैं। बोले लड़ रहे हो क्यों, बोले अमृत के लिए। इतने में दैत्य लोगों ने कहा देखो मोहिनी अमृत पीएंगे तो तेरी हाथ से। बोले भैया मैं अनजान स्त्री को हाथ में थोड़ी पीते हैं, हाँ? बोले नहीं पिएंगे तो तुम्हारी हाथ में, नहीं तो पिएंगे नहीं। बोले देखो ये अमृत मेरे को दे दो, मैं जैसे दूंगी फिर बात बीच में कुछ बोलना नहीं। बोले कुछ भी नहीं बोलेंगे, बोले 2 लाइन से बैठ जाओ। पहले बोले ये देवता को ऊपर का पानी पिला देता हूँ, जो गाड़ी रह जाएगा ना, हम दोनों बैठ करके पिएंगे। बोले मोहिनी अगर ये अमृत नहीं मिला, अगर तू मिल गई ना, हम सब मिल जाएंगे, क्योंकि वो सचमुच इसी जगत में ऐसे सुंदर रूप होता है ना, लग रहा था मानो कहा स्वर्ग से रामबा और बस कहीं उतर करके आ गई। अभी प्रभु ने अमृत पिलाते उन्होंने जब देवताओं को पिला रहे थे, दैत्य ने चंद्र सूर्य को बीच में पी लिया। चंद्र सूर्य ने इशारा किया प्रभु ये दैत्य देवता नहीं। फिर भगवान चक्र बुलाए, उसका गले को काट दिए, एक राहु एक केतु हुए। इसलिए बीच बीच में ये चंद्र सूर्य को ग्रहण होता है ना, इनको ये निगलते हैं। अभी जब उन्होंने सब अमृत पिला दी, अमृत कलश फेंके और ठाकुर जी अंतर ध्यान,
देवता लोग तो अंदर तक पी चुके, अमर हो गए। जैसे केले के पेड़ को काटते हैं ना, हर दैत्य को एक तरफ से काटना शुरू कर दिया। इतने में ब्रह्मा जी ने देखा ये दैत्य बल से तो विनाश हो जाएगा, पर ब्रह्मा जी रोके। फिर उनका गुरु शुक्राचार्य जी आए, सबको उन्होंने जिंदा कर दिया संजीवनी मंत्र से। अभी बलि महाराज दैत्यों का जो राजा, उसने यज्ञ किया जिसका नाम विश्वजीत महायज्ञ, जिससे एक रथ निकला। वो रथ में बैठ करके युद्ध कर उसको कोई परास्त नहीं कर सकते। फिर उन्होंने स्वर्ग को ऊपर आक्रमण करके सारे देवता को वहां से भगा दिए। फिर बैठ गए सिंहासन। अभी दैत्य लोग मरते जगत में मारे मारे भटक रहे। इनके माता अदिति ने कश्यप जी को बोले, मेरे बच्चे को स्वर्ग कैसे मिलेगा? बोले कि पयोव्रत 12 दिन का केवल पयोव्रत है, ठाकुर का खीर भोग लगाओ, केवल दूध पी कर रहो। भगवान बामन देव प्रकट हुए, फिर भगवान श्री बामन देव प्रकट हो गए। बोले श्री बामन भगवान की, बोले श्री बामन भगवान की। जब भगवान श्री बामन देव प्रकट हुए, हाँ बैठ जाओ उधर, मुंह करके बैठ जाओ, बैठो वहीं पर बैठो, कुर्सी दे दो, ऊपर ऊपर बैठो, ऊपर ठीक है, कुर्सी में बैठ जाओ। बोले श्री बामन भगवान की। अभी जब श्री बामन देव प्रकट हुए, अभी श्री देवता गुरु जो बृहस्पति ने इनकी उपनयन संस्कार की, और उपनयन संस्कार के बाद एक नियम होता है, गुरु दक्षिणा देना पड़ता है। बोले गुरु जी क्या दक्षिणा चाहते हो? बोले जाओ बलि महाराज से स्वर्ग राज्य को मांग करके लाओ। जब प्रभु बलि महाराज के दरबार में पहुंचे, ठाकुर जी इतने सुंदर थे। बोले आज मेरे राज्य धन्य हो गया है, आज मेरे घर में इतने तेजस्वी ब्राह्मण आए। बोले आज मैं इतने दान दूंगा, तुम्हें कहीं झोली फैलाने का जरूरत नहीं। बोले देखो मैं ऐसे दान नहीं मांगता हूँ, पहले आप संकल्प करो। जब संकल्प करने के लिए गए, इसने शुक्राचार्य को बोले, तू तो यहाँ यज्ञ में स्वाहा में लगे हुए हो, और तुम चले तो लुटे जा रहे हैं। इतने में श्री शुक्राचार्य भागते भागते आए। बोले बलि। बोले क्या बात है? बोले जानते हो ये कौन है? बोले कौन है? बोले पहले जो मोहिनी बन करके आई थी ना, वो मोहिनी नहीं, ये मोहन बन करके आए। देखो ये 3 पग जमीनी मांगेगा, वो त्रिभुवन राज्य ले जाएगा, खबरदार इसे दान नहीं देनी चाहिए। बलि महाराज तो खुश हो गए। बोले भैया मेरे दोनों हाथ में लड्डू है, आप स्वयं कहते हो ये स्वयं ठाकुर जी, और ये तो इच्छा करने पर सारा सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी आप कृपा करके मेरे पास में आए। सारा दुनिया जिसको हाथ सामने हाथ फेराता है, मेरे पास में ठाकुर जी हाथ पसारने के लिए आए। मेरे जैसे कोई भाग्यवान होगा, मैं तो गुरु जी को जरूर दूंगा, ठाकुर जी को। बोले मैं गुरु मेरे आदेश से पालना नहीं करूंगा। बोले नहीं। बोले जा तेरे को अभिशाप देता हूँ, तू श्री भ्रष्ट हो जा। बोले जो कुछ अभिशाप देना दे दो, ठाकुर जी को तो मैं जरूर दान दूंगा। इसलिए उन्होंने गुरु जी को उन्होंने त्याग दिया। देखो ध्यान दे कृष्ण, हरे कृष्ण, नियम है गुरु जी को त्याग नहीं देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर श्री बलि महाराज गुरु त्याग दिए। बोले क्यों त्याग दिए? बोले कुछ ऐसे स्थान है अगर हम त्याग देते तो दोष नहीं। बोले क्या? बोले गुरु जी अगर पतित हो गए, भ्रष्ट हो गए, सदाचार से नष्ट हो गए, आप त्याग दे सकते हो। जैसे भगवान स्वयं मांगने के लिए आए, इसलिए गुरु का काम किया है। बोले अखंड मंडलाकारम व्याप्त जैन चराचरम तत्पद दर्शितम जैन तस्मय से गुरु। गुरु का काम होता है भगवान जो कण कण में विद्यमान है उनके चरण को जो दर्शन करा दे, ये गुरु का काम। लेकिन साक्षात भगवान आए, अब गुरु जी कहते उनको दान मत दिया करो। अगर भक्ति में भजन में अगर बाधक होते हैं, अगर आप उसको त्याग दोगे तो उसमें कोई दोष नहीं। इसलिए उन्होंने उनको त्याग दिया। फिर तो उन्होंने जब संकल्प करने के लिए जा रहे थे, फिर कमंडल में आकर बैठ गए, और इनकी एक आंख ही चली गई, इनकी एक आंख भी चली गई। यहाँ पर शिक्षा देते हैं भक्ति में, हाँ ध्यान देकर सुनो इधर बात में, अगर कोई सत्कर्म कर रहे हैं भैया, कभी टांग मत अड़ाया करो। अगर तुम किसकी अगर भलाई नहीं कर सकते हो ना, किसकी बुराई कभी मत किया करो।
और विशेष करके प्रभु की भक्ति मार्ग में, प्रभु की कथा में, प्रभु की चीज में अगर टांग अड़ाओगे ना, फिर तुम्हारी आंख जाएगी, एक आंख से अंधे हो जाओगे, भागे वहां से। फिर उन्होंने संकल्प की, भगवान एक चरण से भूर भुव तक लेकर उन्होंने सत्यलोक के चरण पहुंचा। श्री ब्रह्मा जी चरण को अभिषेक की, वही कमंडल में रखे, वही श्री पति पावन गंगा देवी, श्री गंगा देवी। आप लोग कोई खड़े मत हो, ठाकुर आपके पास में जाएंगे, जो देना है ना ठाकुर को वही दे देना। आप लोग सब बैठ रहे हो, कोई खड़े मत हो, भगवान आपके पास में जाएंगे। ठाकुर जी भिक्षा मांगने जाएंगे, बैठ रहे वही पर, अभी कोई खड़े मत हो, ठाकुर जी आपके पास में जाएंगे। इतने में दूसरे चरण में अतल बितल तलातल पाताल ले लिया, बोले बताओ और तीसरे पद कहाँ रखे। उन्होंने नाग फांस बंधन में बांध दिए, लेकिन उनकी जो पत्नी ना, जो बड़ी भक्तिमती थी, पत्नी बहुत अच्छी थी। देखो स्त्री का नाम है पत्नी, ध्यान देकर सुनो। अरे मेरे तरफ पत्नी, पत्नी मतलब क्या है, पति को जो कभी पतन होने नहीं दे, पति को कभी गिरने नहीं दे, हर समय पति को उठा करके रखे, ऐसे नहीं सुख में रहे दुख में आए तो भाग जाए, नहीं, इसको पत्नी नहीं कहती। पत्नी जो का जो काम है, भाई बंधु सबका काम पत्नी की काम है, पति को कौन संभाल कर रखती है, पत्नी है। पत्नी एक स्वरूप में पति को वैकुंठ ले जा सकती है, दूसरे स्वरूप में उसको नरक में ले जा सकती है, अगर उसकी अच्छी अच्छी मार्ग बताए, सदमार्ग बताए, उसको भगवत चरण तक पहुंचा देगी, अगर गलत रास्ता दिखाए ना सीधा उसको नरक ले जाती है। इसलिए उनकी जो पत्नी थी विंध्यावली, बड़ी भक्तिमती, उसने पति को बोले प्रभु को क्या दिया तुमने, दुनिया प्रभु का, प्रभु दुनिया लिए, अब तो मुझे दिया ही नहीं, बोलो ना अपना सर दे दो, अपना सर को झुका दो। बास खुश हो गए, बाप इतनी अच्छी पत्नी मेरी है। बोले प्रभु बताओ दान बड़ा ना दानी बड़ा, बोले दानी, बोले आप तो दान लिए, स्वयं दानी बाकी है। बोले कहाँ चरण रखे, बोले मैं सर पर, ठाकुर जी उनके सर पर चरण रखे, सारे देवता देख देख कर जय जयकार कर रहे थे। बोले श्री बलि महाराज की, बोले श्री बामन भगवान की, सारा दुनिया जय जयकार कर रहे थे। इतने में भगवान बोले वर मांगो, बोले प्रभु उनको सुतल लोक में स्थान दिए। बोले मेरी एक ही प्रार्थना है, जब मैं घर से निकलू आपको दर्शन करके निकलू, जब घर से मैं आऊं आपका दर्शन करो। भगवान बोले तथास्तु। ठाकुर जी उनके दरबार बन गए, ठाकुर जी दरवाजा में बैठे रहे और हर समय उन्होंने ठाकुर जी को दर्शन करते रहे। देखो अभी ठाकुर जी आपके पास में जाएंगे, भगवान हमें सारा जीवन खिलाते पिलाते, आज भगवान स्वयं भिक्षा मांगने आपके पास में जाएंगे। जैसे सुदामा ने दो मुट्ठी चिड़वा दिया तो ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिए, ठाकुर जी स्वयं भी जाएंगे। आप लोग थोड़ी 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 ठाकुर जी को कुछ दान में देना, इसको बच्चे को ले जाओ तो बोलिए बामन भगवान की जय, जय श्री राधे, द्वार पड़ा भगवान। तेरे द्वार खड़ा भगवान, जगत भक्ति I'm gonna go
जगत का पावन हर मुझसे बिना कहना भगवत तेरी याद छाया भगवान भगत आज बुका तेरे सरबत अपना मांग के आज बुका तेरे सरबत अपना मांग के निधि जय कर पटना जन्म जन्म कबीरा जन्म जन्म कबीरा भगवान हनुमान की जय 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 श्री राम रघुपति राघव राजा राम
पतिता पावन सीता रघुपति तेरा साजरा पतिता पावन सीता रघुपति साजरा पतिता पावन सीता रघुपति दशरथ महाराज यदि इनका नाम था दशरथ, दशरथ मतलब क्या है बोले जिनका रथ दस दिशाओं में चलता था। दशरथ महाराज इतने प्रतापी थे, नियम होता है कि इंद्र का सिंहासन में कौन बैठ सकता है बोले जो 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा वही बैठेगा, नहीं तो बैठ नहीं सकता। लेकिन दशरथ महाराज इतने प्रतापी, इतने बलवान और इतने गुणवान और इतने धार्मिक थे, जब दशरथ महाराज स्वर्ग जाते थे इंद्र आधा आसन दशरथ महाराज को देते थे। और स्वर्ग में एक पुष्प है उसका नाम पारिजात फूल है, ये मरते जगत में होता ही नहीं, और वो माला को उनको गले में पहनाया करते तो वो फूल कभी मुरझाएगा नहीं। जब वो आते थे स्वर्ग से, वो माला लेकर के आते थे अपना पत्नियों को देते थे, देखो मैं स्वर्ग गया था, स्वर्ग से ये पारिजात फूल की माला लेकर के आए। एक दिन दशरथ महाराज गए, इंद्र उनको आधा आसन दे दिए और इनकी गले में उन्होंने पारिजात फूलों की माला पहना, जैसे गले में माला पहनाते हैं, अरे कभी कभी हम उतार करके उसको रख देते हैं, उन्होंने उतार करके रख लिए। लेकिन आते समय उन्होंने भूल गए, थोड़ी दूर आए तो याद आया, अरे अभी तो जाते ही पत्नियां बोले कि भैया माला कहाँ है, लेकिन माला तो मैंने भूल गया। अभी दशरथ महाराज वापस गए, वापस गए तो उन्होंने देखा जहाँ पर श्री दशरथ महाराज बैठे हुए थे वो स्थान को धुलाई कर गए, साफ कर गए थे। दशरथ महाराज ने पूछा भैया क्या बात है, ये जगह को साफ क्यों कर रहे हो? बोले महाराज जी आप बुरा मत मानो, आपकी संतान नहीं है ना, आप संतान ही हो, बात मत करो, ये घर के आदमी जितनी गड़बड़ी कर रहे हैं, इसलिए बोले देखो आप ये बुरा मत मानो, आपका संतान ही है ना, इसलिए आप यहाँ पर बैठे हुए थे, इसलिए स्थान अपवित्र हो गया, इसलिए हम धुलाई कर रहे हैं। इसको सुन करके इतने दुखी दशरथ महाराज हुए, बोले मेरा नाम ही दशरथ है और इंद्र का आधा सिंहासन में मेरी अधिकार है, मेरा इंद्र सिंहासन मेरे को मिलता है, लेकिन एक संतानहीन होने का नाते और मैं जहाँ बैठ गया स्थान अपवित्र हो गया। बड़े दुखी उन्होंने हुए और उन्हें दुखी होकर के आए और श्री वशिष्ठ जी को बोले, बोले गुरु जी मैं संतान चाहता हूँ, मैं संतान चाहता हूँ, मेरे को आज बड़ा अपमान बोध हुआ स्वर्ग में जाकर के। तो उन्होंने बोले कोई बात नहीं, देखो एक उत्कृष्ट यज्ञ है, वो यज्ञ वही कर सकता है जो आठ तरह का, मशीन नीचे मशीन बंद हो गए, तार ही लिया, देखो सारा रात चालू यानी गर्म हो गए। लगता हमारे बाजू लगा बड़े रखा गया था।
वशिष्ठ जी को बोले बोले देखो पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे लेकिन ये यज्ञ को वही कर सकता है जो आठ तरह का मैथुन से जो अलग हो। कभी जीवन में ये काम नाम का क्या चीज है जो नहीं जानता है वही केवल ये यज्ञ कर सकते हैं। बोले भैया वो ऐसे ऋषि कहाँ मिले के बोले उनका नाम से ऋषि से मुनि लेकिन इनका आना बड़ा कठिन है। अगर उनको पिताजी को पता चल जाए ना वो तो सारा दुनिया को ध्वंस कर देंगे। तो बड़े कष्ट से उन्होंने श्री ऋषि सिंह मुनि को लाए और उन्होंने यज्ञ किया तो उससे चारों खीर निकला और उन्होंने खीर को उन्होंने तीनों रानी को उन्होंने बटवा करके खिला दिया और उपयुक्त समय होने पर भगवान स्वयं चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न रूप में भगवान जन्म ग्रहण करते हैं। बोले श्री राम लाला की जय। प्रभु जी भगवान कैसे राम हुए जन्म हुए हैं आप लोग इनको पीछे पीछे दोहरा दो। भय भगत कृपाला दीन दयाला तू संकट निवारे मने मनारी सुभद जोत बिचारा जो नजर बिरामा मन मन कामा जिजे आयो तो गोस्वामी जी कहते हैं वो छह महीना तक उत्सव चलती रही और छह महीना से जो सूरज है वो एक जगह में खड़े हो गए वहां से हटी नहीं रहते किसी तरह से। अभी सारा दुनिया राम लाला की जन्म उत्सव में नाच रहे थे
लेकिन एक व्यक्ति दुखी होकर के कोने में बैठे बैठे रो रहे थे। बोले कौन? बोले चंद्रमा। भगवान राम ने पूछा, देख चंद्रमा, मेरे जन्म उत्सव में संत नाच रहे हैं, तू कोने में बैठे करके रो रही थी। बोले रोऊंगा नहीं, क्या हंसूंगा? बोले भैया तुम भी हंसना, तब भी नाच, सबके सब गा रहे हैं, नाच रहे। बोले प्रभु देखो, ये सूर्य को देखो, भगवान सूर्य वंश में आए, इसलिए सूर्य का जो प्रचंड तेज है 3 दोपहर में, इसलिए 12 बजे, इसलिए भगवान ठीक 12 बजे ठाकुर जी जन्म हुए। बोले प्रभु तभी तो मैं आऊँगा, लेकिन जब ये सूरज जाएगा, लेकिन देखो वो एक जगह पर खड़ा हुआ, उसे हट नहीं रहा है, इसलिए प्रभु मैं तो आपकी जन्म उत्सव से वंचित हो गया। भगवान ने बोले कोई चिंता मत करो, इसी अवतार में तो मैं सूर्य वंश में आया, आया जब दूसरा बार आऊँगा ना तेरे वंश में आ जाऊँगा, चंद्र वंश में आऊँगा। बोले प्रभु पता नहीं चंद्र वंश में आओगे बहुत दिन बाद में, लेकिन अभी तो वंचित हो गया। बोले चिंता मत करो, मेरा नाम तो राम है, लेकिन इस सारा दुनिया मेरे को रामचंद्र बोलेंगे, तेरे नाम को मेरे साथ में जोड़ दूंगा, ठीक है? बोले प्रभु ठीक है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। उच्चर ललना प्रगट भैया, अवध में नरवा उच्चर ललना प्रगट भैया, अवध में नरवा नरवा बटे के रामते, नरवा बटे के रामते, नरवा बटे के रामते, नरवा बटे के रामते, तो किस किस को खुशी हो रही है? देखो खुशी नहीं है, किसी को हाथ नहीं उठा रहा। अरे जो राम लक्ष्मण भरत शत्रु घर आए हैं तो खुशियों का वातावरण होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है सब चुपचाप बैठे हैं, जैसे शोक बना रहे हैं। सभी ताली बजाकर रास्ते हुए, सभी ताली बजाकर खुशियां मनाएंगे, राम लाला का जन्म हुआ है। उच्चारो उच्चारो ललना प्रगट भैया, I'm
दूसरा बेटा का नाम पड़ गया भरत। भरत मतलब क्या है? विश्व ब्रह्मांड को जो भक्ति को द्वारा जो भरण पोषण करे वो भरत है। तीसरा बेटा का नाम पड़ा लक्ष्मण। लक्ष्मण मतलब लक्ष्मणम लक्ष्मी वर्धन, जो लक्ष्मियों को बढ़ाए। बोले भैया कौन सा लक्ष्मी? बोले ठाकुर का प्रेम और भक्ति की लक्ष्मी को जो बढ़ाए। चौथा बेटा का नाम पड़ गया शत्रुघ्न। शत्रुघ्न मतलब शत्रु को ऊपर जो विजय प्राप्त करे। अभी धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, गुरुकुल में गए, 64 दिन में 64 विद्या को पढ़ करके वापस आए और श्री विश्वामित्र जी को लेकर के इनकी यज्ञों पूरी करने के लिए गए। वहाँ भी उन्होंने यज्ञों को पूरी की। विश्वामित्र बोले देखो एक यज्ञ तो तुमने पूरी की और एक यज्ञ मिथिला में हो रही है, वो यज्ञ भी तेरे को पूरी करना पड़ेगा। मिथिला जाते समय माता अहल्या को भी उन्होंने ठाकुर जी उद्धार किए। और जब प्रभु जी पहुंचे कहाँ पर? जनकपुरी में। जनक महाराज पहले ब्रह्मज्ञानी थे, भगवान को निराकार निर्विशेष मानते थे, लेकिन प्रभु राम रूप देख करके बोले इन्हें ही बिल्लो पता अति हरिषिता परव सब ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। तब तक भगवान को ब्रह्म ब्रह्म कहते थे जब तक प्रभु राम को नहीं देखे। राम को देखते ही ब्रह्म सुख अपने आप खत्म हो गया। प्रभु राम में डूब गए, समझ गए ये ब्रह्म नहीं राम की ओर है, परम ब्रह्म है। और उन्होंने उनकी प्रतिज्ञा थी जो धनुष में प्रत्यंच चढ़ा देगा उसको साथ में मेरी चाणक्य की शादी होगी। क्योंकि जो धनुष था शिशिर धनुष था, वो इतना बड़ा धनुष था जिसको 400 व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते थे, इतने बड़े धनुष। लेकिन एक दिन सीता ने वो गेंद खेलते खेलते एक दिन गेंद धनुष को नीचे फंस गई और माता सीता एक हाथ से धनुष उठाई और दूसरे हाथ से गेंद निकाल ली। जनक महाराज बोले हे भगवान मेरी बेटी में इतनी शक्ति जिसको 400 व्यक्ति उठा करके ले जाए और एक हाथ से उठा ले। प्रसन्न हो गए, बोले भैया इसकी पति वही बन सकते हैं जो ये धनुष को उठा सकता है और धनुष को वही उठा सकते हैं मेरी जो बेटी है ना वो साक्षात लक्ष्मी। नारायण को सिवाय ये धनुष को कोई नहीं उठा सकता है। अभी जब राम को उन्होंने देखा, उन्होंने दर्शन करते ही उनके रूप में डूब गए, वो समझ गए यही नारायण है, यही धनुष को उठा सकता है और धनुष को कोई नहीं उठा सकता है। अभी बड़े बड़े राजा लोग वहां पर एकत्रित हुए और महाराज ने अनाउंसमेंट की ये धनुष को उठा करके जो प्रतंज चढ़ा देगा उसको साथ में मेरी बेटी जानकी की शादी होगी। और बड़े बड़े राजा कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई टस मस्तक नहीं कर पाए। श्री जनक महाराज देख रहे हैं भैया जो उठाएगा तो वो चुपचाप बैठा हुआ,
और जो उठा नहीं पाएगा वही लोग कोशिश कर रहे हैं, हैं? इसलिए पता राम ही उठा सकता है। अभी जनक महाराज ने देखा जब किसी ने नहीं उठा पाए, देखो ध्यान देकर सुनो, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी एक सुंदर उदाहरण दिए, बोले भैया पहले डंडा उठेगा फिर झंडा उठेगा, बोले डंडा कौन, बोले लक्ष्मण, बोले झंडा कौन, बोले राम, पहले लक्ष्मण को उठाओ उठाओ फिर तो राम उठेगी, नहीं तो राम उठने वाले नहीं, पहले लक्ष्मण को उठाओ। इतने में जनक महाराज जी थोड़ी खड़ी होकर के बोल दिए, बोले लगता है ये पृथ्वी वीर सुन्न हो गया है, जिस धनुष को मेरी बेटी जानकी एक हाथ से उठा लेती थी, देखो यहाँ पर कितने कितने बड़े बड़े राजा, कहते वहां रावण तक भी आया था, उन्होंने बहुत उन्होंने कोशिश की, किसी तरह से हाथ को तो अंदर में फंसाया, लेकिन धनुष इतना बड़ा था वो हाथ को निकाल नहीं पाया। फिर सबके सब आकर के धनुष को उठाए, फिर किसी तरह से हाथ को उसने निकाला। इतने में बोले लगता है ये पृथ्वी वीर शून्य हो गया है, जिस धनुष को मेरी बेटी एक हाथ से उठा लेती थी, लेकिन यहाँ पर देखो कितने बड़े बड़े राजा दस से मस्तक भी नहीं कर पाए। जब इतने बोले, इतने वहां पर लक्ष्मण थे, लक्ष्मण को इतना क्रोध आया, लक्ष्मण को सहा नहीं गया, इतने में लक्ष्मण वहां पर खड़े हो गए, बोले महाराज जनक चुप बैठो, इतने बड़ी बात जहां पर प्रभु स्वयं यहां बैठे थे, आपको पता ही है कौन है, हम तो बचपन में खेलते खेलते ऐसे कितने धनुष को तोड़ दिए, ये तो सड़ा गला हुआ है, साधारण धनुष है, अब ये धनुष की बात छोड़ो, ये विश्व ब्रह्मांड तुम्हें एक कच्चा घड़े के भांति चकनाचूर में कर सकता हूँ। इतना जो बोले, इतने में राम बोले लक्ष्मण चुप बैठे, यहाँ पर गुरु जी बैठे हुए, पहले गुरु जी को तो आते से लेने दो, गुरु जी का आते से दे उसको बाद में, हाँ मेरे को पता तू कौन है, लक्ष्मण कौन है, अनंत देव, अनंत देव कौन है, जो विश्व ब्रह्मांड को सर के ऊपर में एक सरीसो जैसे धारण करके रखे, बोले मेरे को पता तू स्वयं अनंत देव हो, तुम कर सकते हो, लेकिन अगर ये धनुष को तू उठा लोगे ना मेरे क्या होगा, ये धनुष को जो उठाएगा उसके साथ में तो शादी होगी, अगर तू उठाएगा तो तेरी शादी होगी। लेकिन जब पुष्प चयन करने के लिए प्रभु राम गए थे, माता सीता भी गौरी पूजा करने के लिए आई, वहीं पर दोनों दोनों को मिले और दोनों दोनों को पहचान गए कि मेरी शक्ति है और ये मेरे प्रभु है। इसलिए रामचंद्र जब वापस आए ना, लक्ष्मण को कह रहे, बोले लक्ष्मण रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए गुरु वचन, हम कभी भी पराई स्त्रियों को, कभी भी सर उठा कर हमने कभी भी पराई स्त्रियों को देखे नहीं, लेकिन आज पहला बार जब मैंने सीता को देखा, लेकिन जैसे पानी में कंकड़ फेंक दो ना और पानी में क्या होता है लहरी आती है, जब से मैंने सीता को देखा पता नहीं मेरा मन तो स्थिर रूपी पानी में मानो किसने कंकड़ फेंक दिया, बचा दे तब से मेरा मन इस सीता के प्रति बारम्बार क्यों जा रहा है। देखो लगता है जो सीता है ना तेरी भाभी बनने वाली है, क्योंकि इसका प्रमाण ये है, मेरे मन कभी कहीं नहीं जाता है। इतने में जब राम बोले भैया अगर तू धनुष उठाओगे तो तेरे साथ में शादी होगी, मेरी गरीब क्या होगी, चुप बैठ जा, अभी गुरु जी का आदेश लेने दे। अभी गुरु जी उपयुक्त समय देख करके उन्होंने राम जी को आदेश दिया, बोले बेटा राम जा बेटा, ये धनुष उठा करके श्री जनक महाराज का हृदय में जो पीड़ा है था उसको दूर करो। अभी माता जाने के सामने खड़ी हुई और प्रभु राम अभी जा रहे, नहीं आप लोग उधर मत देखा, इसलिए जाने के सामने खड़ी हुई और भगवान राम अभी धीरे धीरे, भगवान राम अभी धीरे 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 चल रहे हैं। जब जा रहे थे इतने में माता जानकी बड़ी दुखी हो गई, बोले क्यों दुखी हो गई, बोले कारण है क्या राम धनुष उठा पाए, बोले इसकी मन में शंका क्यों हो गई, बोले जब प्रभु राम सवेरे पुष्प चयन करने के लिए गए तो सवेर था, मीठी मीठी हवा बह रही थी, प्रभु राम पुष्प चयन नहीं कर रहे थे, पुष्प इनके हाथ में समर्पित हो रहे थे, लेकिन उसी समय में भी राम इतने कोमल अंग प्रभु के शरीर से पसीना बह रहे, मतलब इतने प्रभु राम कोमल है। इसलिए सीता माता सोच रही है जिस धनुष को 400 व्यक्ति उठाते हैं
क्या राम उठा पाएगी? अगर राम नहीं उठा पाएगा तो मेरी क्या होगी? इसलिए मानव माता सीता राम की कोमलता को सोच सोच कर को प्राण त्याग देने जा रही है। अगर राम नहीं उठा पाएगा तो मैं प्राण त्याग दे दूंगी। अभी राम सीता जी की मन की भावना समझ गए, बोले भैया कहा वर्षा के वो कृषि सुखाई धनुष तो इसलिए उठाना, सीता से शादी करना है। अगर धनुष उठाने से पहले अगर सीता प्राण छोड़ दिया फिर तो धनुष उठा कर क्या होगा? इतने में राम जल्दी जल्दी गए और जल्दी जल्दी गए तब उन्होंने धनुष को पकड़े, तब उन्होंने उठाए। जब उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए गए धनुष दो जब धनुष दो टुकड़े हो गए जगत महाराज इतने प्रसन्न हुए, बोले सुनैना जल्दी जल्दी सीता को लेकर के आओ। अभी सीता सहेलियों के साथ में आ रही है, जब आ रही है हाँ देखो लेकर के आ जा अपनी भजन की दी बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय जय श्री श्री रघुवर कोमल कमल नयन को कहरा जय चलते चलते श्री रघुवर Gracias.
चंद्र की जय। हरे कृष्णा सीताराम इस दोनों ऐसे आगे आके घर गए। जब मैं बोलूंगा ना माला पहनाने के लिए तब पहनाना, ठीक है? कथा को सुनो, अब सब के सब बैठ जाओ। हरे कृष्णा, आगे कोई खड़े मत रहो। हरि बोल। हाँ देखो, जिस समय माता जानकी अभी अपना सहेलियों को साथ में प्रभु राम को माला पहनाने के लिए आ रही है, लेकिन भगवान राम अभी मुकुट पहने हुए, मुकुट भी बड़ा ऊंचा है और मैया सीता कितने बड़ी राम के कंधे पर, इतने में माता सीता जब माला पहनाने जा रहे थे लेकिन हाथ नहीं पहुंच रहे और मैया सीता ऐसे हाथ करके खड़ी हुई, बोलूंगा तो पहना, इसलिए ऐसे हाथ करके खड़ी हुई। इतने में सीता जी की सहेलियां थी, इतने में राम की कान में चुपकी सी बोली, देखो राम थोड़ी सी सर झुका दो ना। बोले क्या? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाए, हम साधारण घर के नहीं दशरथ महाराज के घर है, हमने कभी किसको पास में सर कभी नहीं झुकाया, अभी शादी भी नहीं हुई। बोले सर झुका दो, हम सर झुकाने वाले नहीं। भगवान राम तो इसे एकदम खड़े हो गए, सर झुकाना नहीं चाह रहे। अभी इतने में सीता जी की जो सहेलियां थी ना पास में थी लक्ष्मण, बोले लक्ष्मण अगर तू मेरा आके काम करोगे ना तुम्हारी भी हम काम कर देंगे। लक्ष्मण बोले क्या काम बताओ? बोले जैसे ये जानकी सुंदरी कहते इसकी एक छोटी बहन है जिसका नाम गुरुमुल है, वो भी कम सुंदरी नहीं, तू हमारी काम करो तेरे काम कर देंगे। अभी जब शादी की बात आ गई ना लक्ष्मण का मुंह में पानी आ गया, लक्ष्मण का मुंह में पानी आ गई। बोले सीता तो कम सुंदर भी परम सुंदरी सीता माँ लक्ष्मी, बोले मेरे काम भी बना देंगे। बोले बताओ क्या काम करना? बोले देखो राम का सर को तरह झुका दो। इतने में राम ने लक्ष्मण को बोले, बोले लक्ष्मण देख तेरी भाभी को देख, हाथ में माला लेकर खड़ी हुई, और मैं तो बोल दिया सर झुका नहीं सकता हूँ, मैं सर झुका नहीं सकता हूँ, लेकिन तेरे को कुछ करना पड़ेगा। बोले प्रभु यद्यपि मैं पृथ्वी हूँ, लक्ष्मण कौन है? अनंत देव, ये अनंत देव का ये पृथ्वी है। बोले यद्यपि पृथ्वी में हूँ लेकिन पृथ्वी तो दो टुकड़े है नहीं, पृथ्वी तो एक है, अगर मैं पृथ्वी को मैंने ऊंचा करता हूँ दोनों ऊंचे हो जाओगे, अगर मैं नीचे करता हूँ आप दोनों ही नीचे हो जाओगे, अभी क्या करो? बोले कुछ तो कर, देख तेरे भाभी को खड़ी हुई, मैं सर नहीं झुका सकता हूँ, मैं अर्ग लिया ना। इतने में लक्ष्मण राम की भावना को समझते हुए, इतने में लक्ष्मण राम के चरण में प्रणाम किए। जब प्रणाम करेंगे अभी उसको उठाना पड़ेगा ना, इतने में राम ने लक्ष्मण को जब उठाने के लिए गए अभी राम का सर नीचा हो गया और माता जानकी गले में माला पहना दिया है। हर कोई ताली नहीं बजा रहा, ताली बजा रहे। जब उन्होंने गले में माला पहना दिया ना, इतने में सीता जी की जितने सहेलियां थी ना उन लोगों ने टोंटी की, बोले क्यों लक्ष्मण जी तेरे को प्रभु को, हाँ तेरे को प्रभु को हार पहनना ही पड़ा, हार मतलब हार जाना, मतलब तेरे प्रभु को हार मानना पड़ा, लास्ट में सर झुकाएगी नहीं, जाने को प्यार में सर झुकाना पड़ा। इतने में लक्ष्मण कहते नहीं, तुम लोग हार कहते हो, हम लोग हार नहीं कहते, हम जयमाला कहते हैं, हम लोग जयमाला कहते हैं, मेरे प्रभु राम ने धनुष उठाया और उन्होंने जयमाला को कहने। ऐसे ही बाद में जब उन्होंने एक दूत को भेजे कहां पर, बोले अयोध्या में, माला पहना दो तुम भी पहना, इसलिए उन्होंने बैठ जाओ। अभी अयोध्या में उन्होंने भेज दिया दूत को, बोले क्यों? बोले जा करके दशरथ महाराज को बोलो राम ने धनुष तोड़े, अभी सीताराम की शादी होगी, अभी से दशरथ महाराज जो बरात लेकर के आए ना, जनक महाराज सोच रहे थे सब दो भाई राम लक्ष्मण, लेकिन जब वहां बरात आई देखा ये दो भाई नहीं ये चार ही भाई है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और इनके पास में थी चार ही बेटी, कौन कौन? सीता, उर्मिला, सुतकीर्ति और मांडवी, लेकिन ये जो चार जो बहन है सख्यात लक्ष्मी स्वरूप है, और जो चार ही भाई है नारायण है, सबके सब नारायण है। बोले भैया जोड़ी तो बड़ी प्यारी है, बोले भैया शुभ काम को शीघ्र कर देनी चाहिए,
मतलब एक साथ में चार भाइयों का शादी करा दो। इसलिए उन्होंने श्री दशरथ वशिष्ठ से परामर्श लिए, मतलब भैया ऐसे परिवार कहाँ मिलेगा, चार भाई शादी के लायक है। और जनक महाराज जैसे ब्रह्म ज्ञानी, इतने अच्छे खानदान, बेटी का कहीं ढूंढना ही पड़ेगा। और जब बनी बनी हुई खीर, तो खीर क्यों नहीं खा ले, एक साथ में शादी करा दो। अभी चारों पे एक साथ में शादी हो, लेकिन ये पहले नियम था, ऐसे नहीं शादी से पहले पति पत्नी मिले, नहीं ऐसे पहले नियम नहीं था। चार दिन को बाद में फिर जाकर मिलकर ले। अभी चार दिन को बाद में सीता की जितने सहेलियां थी ना, उन लोगों ने चार बहुओं को बड़े सुंदर दुल्हन सजा करके ये चार बेटों को सपास में ले आए। बोले देखो तुम चार ही भाई हो, ये तुम्हारी चार बहू है, अभी कौन किसका बहू छांट लो। लेकिन अभी तो किसी ने अपना बहू को कभी देखे ही नहीं। अब साली ना कभी कभी हंसी लगी करते हैं, बोले देख राम सावधान, छोटे भाई का जो पत्नी है वो बेटी के बराबर है। अगर तू अपना पत्नी को पत्नी नहीं बोल करके छोटे भाई को पत्नी को अगर पत्नी बोल दिया, मानो बेटी को तुमने अपना पत्नी बनाया, कितना पाप होता। छोटे भाइयों को बोले सावधान, बड़े भाई का जो पत्नी है वो माँ की बराबर है। अगर तू अपना पत्नी को पत्नी नहीं बोल करके अगर बड़े भाई का पत्नी को पत्नी बोले ना, जैसे माँ को अपना पत्नी बनाना, कितने पाप तुमको पता है। बताओ ये चार गोहों में किसने कौन कितने का पत्नी। अभी चार भाइयों का तो पसीना पसीना निकल, क्योंकि अभी तक कोई देखे नहीं मैं कौन पत्नी कौन किसका है। और सालिया तो आपको पता होगा, साली लोग कैसे दामाद को साथ में हंसी दिलाई करते, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। भगवान राम ने बहुत सोच सोच करके बोले ये मेरी पत्नी, लेकिन सही उन्होंने सीता को चुन लिए। भैया कैमरे वाले भैया बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ वहीं पर। इसलिए देखो जब कथा हो ना, सामने ज्यादा घूमने फिरने नहीं जाएंगे। इसलिए अभी राम बहुत सोच सोच करके बोले भैया ये मेरी पत्नी है, सही सीता को ढूंढ पहचान लिया। भरत जी को बोले भैया तू बोल तेरे कौन पत्नी, वो भी बहुत सोच सोच करके अपना मांडवी को चुन लिया। इतने में शत्रुघ्न को बोले भैया तेरी पत्नी कौन है, वो भी सही सही उन्होंने श्री सुत कीर्ति को पहचान लिया। अभी लक्ष्मण रह गया, बोले तेरी पत्नी को, उसने सही सही उर्मिला को चुन ली। सालिया तो आश्चर्य में पड़ी गई, बोले अभी तक तो कोई अपना बहू को देखे ही नहीं, लेकिन छान के सही लिया। तो उन लोगों ने पूछा भैया तुमने पहचान कैसे लिया, तुम तो अभी तक तो बहुओं को नहीं देखा। राम ने कहा देखो मैंने सीता को दो बार तक देखा, जब मैंने वाटिका में पुष्प चयन करने के लिए गया था तभी देखा, फिर जब सीता ने मेरे गले में माला डाली तब मैंने देखा था, इसलिए मैं पहचान लिया मेरी बहू को नहीं। बोले ये बात, बोले हाँ। भरत जी को बोले बताओ तुमने कैसे पहचान लिया ये तुम्हारी पत्नी। बोले देखो जब जब मैं कोई काम करता हूँ, भैया राम का नाम लेकर के उनके चरण में प्रणाम करते हुए करता हूँ, इसलिए हर काम मेरे बढ़िया बन जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। बोले ये बात, बोले हाँ। बोले शत्रुघ्न को पूछे भैया तुमने कैसे पहचान लिया ये तुम्हारी बहू। बोले देखो ये चारों में चार भाइयों में मैं सबसे छोटा हूँ, मैंने देखा इसमें जो सबसे छोटी होगी ना वही मेरी पत्नी होगी, इसलिए जो सबसे छोटी थी मैंने बोल दिया ये मेरी पत्नी है। बोले ओ ये बात। लक्ष्मण को बोले भैया तुमने कैसे पहचाना। बोलिए सीधी सी बात, तीनों ने जब तीनों को छांट लिया जो रह गई हो गई। ऐसे ही वहां पर बड़े धूमधाम से वहां पर उत्सव हुए। अभी प्रभु जी एक सुंदर राम सीता की एक सुंदर भजन गाय के साथ ही के उसके बाद में फिर कृष्ण जन्म होंगे। चले जाओ जो कृष्ण राम चंद्र भगवान की यशोदा बनोगे ना आप लोग, कृष्ण कृष्ण बनाए ना किसी बच्चे को, उसको ले करके आना। जब आएंगे ना सबका हाथ में थोड़ा थोड़ा फूल दे देना, तो सबके सब उनको फूल फेंकते फेंकते आएंगे जब श्री नंद यशोदा आएंगे। आप लोग कोई जाना नहीं, बैठ ही रहो। देखो हाँ एक अनाउंसमेंट सुना, ध्यान देकर सुना। कल है भागवत में सबसे बड़ा पूजा है, वो पूजा है श्री गिरिराज गोवर्धन की। बस गिरिराज महाराज की आज को ध्यान देकर सुना। ये जो गिरिराज है इनका एक नाम सर्व अभीष्ट प्रदाता, मतलब है ये गिरिराज से हम जो मांगोगे ये गिरिराज सो दे देते हैं।
इसलिए भगवान स्वयं गिरिराज ने आशीर्वाद दिया था, ये गिरिराज की पूजा में जो एक अन्न का दाना केवल गिरिराज की सेवा में लगा दे, कहते किसी जीवन में घर में अन्न और वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगा। उसकी घर में केवल एक जन्म नहीं, तो किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं होगा। ये साक्षात गिरिराज वरदान दी। ये गिरिराज की इतने महिमा क्यों है? ये गिरिराज कौन? स्वयं कृष्ण। इनकी पूजा किसने की? सारा दुनिया बांके बिहारी की पूजा करते हैं। बांके बिहारी एक देवता हुए जो अपना हाथों से पूजा की। सारा दुनिया ठाकुर को परिक्रमा करते हैं, लेकिन एक गिरिराज हुए जिसको स्वयं बांके बिहारी परिक्रमा की। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते हैं, आप लोग गिरिराज कौन कौन गए हो, हाथ उठाओ तुम। हमारे बड़े गुरु जी कहते हैं, आप लोग गिरिराज गए होंगे, देखना ये गिरिराज शिला के ऊपर में ना शिला रखा हुआ देखोगे। बोले जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए, ये गिरिराज शिला के ऊपर जितने शिला रख देते हैं, गिरिराज जी उतना मंजिली दे देते हैं। देखो अभी हम लोग बड़ों को गए थे कथा करने के लिए, एक साल पहले हमने गए थे, उसको साधारण घर था, लेकिन जब दूसरे साल गया ना, उसको तीन मंजिल बहुत बड़ा मकान बना हुआ। मैंने कहा भैया एक साल में इतने बड़े मकान कैसे बन गए तुम्हारे? उसने कहा महाराज जी, मैंने गिरिराज गोवर्धन गया था और वहां पर तीन शिला के ऊपर तीन शिला रख करके आया। बोले गिरिराज मेरे को तो एक साल में पता नहीं ठाकुर को क्या कृपा हुई, एक साल में मेरी तीन मंजिल मकान बन गई। वो खुद बोल रहे थे बात। इसलिए ये गिरिराज की बड़ी कृपा है। गिरिराज की ये कोई पत्थर नहीं, गिरिराज गोवर्धन ये स्वयं भगवान विष्णु कृष्ण स्वरूप है। इसलिए कोई साधारण आप गिरिराज जो गए होंगे देखे होंगे, सब पेड़ में पेड़ बंधा हुआ देखे होंगे, वहां पर सब रस्सी बांधे हुए। क्यों? जिनका बेटा बेटी की शादी नहीं होती है, जिनकी नौकरी चाकरी बिजनेस नहीं चलता है, कोई भी कमरा लेकर के जाओ। हमारे बड़े गुरु जी कहते हैं जब कोई गिरिराज परिक्रमा करते हैं, भगवान स्वयं उसको पीछे पीछे परिक्रमा करते हैं। ये मेरे से क्या मांगेगा, इतने कष्ट करके क्यों परिक्रमा करते हैं? उनकी बड़ी महिमा। कल भागवत कथा में गिरिराज अन्नकूट की पूजा करेंगे। इसलिए आप लोग अपना घर से कुछ ना कुछ लेकर के आना, जैसे कोई फल हो, थोड़ी सी मिठाई हो, अगर आप अच्छे तरह से बगैर प्याज लहसुन के कोई खाना बना सकते हो, कढ़ी चावल मिठाई कोई बना सकते हो, जो आपको अच्छा बनाते हो शुद्ध रूप में बना करके लाना। कल गिरिराज को भोग लगेगा, उसको बाद में ये प्रसाद आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। कल गिरिराज की पूजा है, कल और परसों श्री राधा रानी की जन्म, ठीक है। प्लस गिरिराज महाराज कल कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आओगे? सबके साथ हरा रंग के पहन करके आना, ठीक है, सबके साथ हरा रंग। कल है भंडारा है, माता जी बोल रही है कल सभी के लिए कढ़ी चावल बनेगी, यहीं पर सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, ठीक है। प्रभु एक भजन गाएंगे सीताराम Thank you.
और देखो इधर सुनो कोई यहाँ पर कौन है यहाँ पर
प्रभु जी जब वो आएंगे ना सबसे पीछे उनको लेकर जाना, यहाँ से नहीं लाना, एकदम सबसे पीछे। और भगवान को कोई टोकरी है ना क्या? ठाकुर जी को कैसे ले आओगे? हाँ ऐसे ले आएंगे, ठीक है पीछे से ले आना। जब मैं बोलूँगा ठाकुर को क्या वहाँ से वहाँ ले जाना, वहीं से ले आना, ठीक है। और हाथ में फूल माला नहीं दे करके हाँ दे दो सबको, तोड़ तोड़ करके अपना हाथों में फूल ले लेना। जब ठाकुर जी आए ठाकुर जी को फूल को बुझा करना, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले जय जय श्री राम की, बोले कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्याम च भगवन्तं चरितं परमाद्भुतम्। बोले ये श्रीमद् भागवत में विशेष करके दो वंशावलियों का वर्णन है, एक चंद्रवंश और एक सूर्य वंश। यद्यपि ये दोनों वंश में बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, लेकिन ये सबसे प्यारी कथा किसकी है? बोले भगवान राम की और भगवान कृष्ण, सबसे मधुर ये दोनों की कथा है। बोले जो भगवान की कथा है वो बड़ा मीठा भगवान की कथा है, इसने श्री वल्लभाचार्य एक सुंदर अष्टक लिखे हैं जिसका नाम मधुरा अष्टक। देखो ये मधुरा अष्टक में क्या कहते हैं, बोले अधरंग माधुर पदनंग माधुर नायनंग माधुर अधरंग माधुर पदनंग माधुर इसलिए वेदों में भगवान को कहते हैं रस बैस रसम जिवायाम लब्धानंद भवती। भगवान कैसे हैं? पूरा रस है। रसगुल्ला खाए हो? कौन कौन रसगुल्ला खाए? सब खाए। रसगुल्ला कब होता है? जब गुल्ले को रस में डुबो दो क्या होगा? रस गुल्ले। जब गुल्ले को रस में डुबा दो भगवान क्या ऐसे? बोले नहीं ऐसे नहीं, ये भगवान स्वयं ही रस स्वरूप है, वो अखिल रसामृत मूर्ति भगवान। इसलिए बोले तीन गंगा है, एक स्वर्ग में उसका नाम मंदाकिनी, स्वर्ग लोक को कल्याण करती है, मर्त्य जगत में भागीरथी जो पृथ्वी लोक कल्याण करती है, पाताल में भोगवती वो पाताल लोक को कल्याण करती है। कि तो उसी तरह भगवान की जो कथा है ये तीन लोकों को पवित्र करती है। बोले किसको किसको? बोले बोलने वाले, सुनने वाले और प्रश्न करने वाले, ये तीनों को कृष्ण कथा पवित्र, ये तीनों को करती है कृष्ण कथा पवित्र। अभी कहते कृष्ण कथा इतना मीठा इतना मीठा, कहते अगर भगवत सागर से भी पार होना चाहते हैं ना, बोले कुछ भी करने का जरूरत नहीं, भगवान की कथा सबसे मीठी दवा है। जो प्रभु की कथा रूपी मंदाकिनी में गोता लगाएगा वो गोता लगाते लगाते ही संसार से पार हो जाएगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी चतुसन जैसे व्यक्ति भी जब भगवान की कथा सुनते हैं वो भी पागल होकर के प्रभु का भक्ति करने लग जाते हैं। अभी एक समय श्री वसुदेव श्री कंस अपना बहन देवकी को उनने वसुदेव को साथ में शादी करवाए। जब शादी करवाए बहुत कुछ उन्होंने दहेज रूप में दी, स्वयं सारथी बन करके विदाई की, बच्चों को भी रोको ये बच्चों को। इसलिए जब विदाई दे रहा था इतने में आकाशवाणी हुई, बोले रे मूढ़ कंस जिस देवकी को तुम विदाई दे रहे हो उसकी अष्टम गर्भ का संतान करे काल में निगाह। कंस ने देखा ये देवता वाली कभी झुकनी हुई, इसलिए न रहेगा बांस न बजगी बांसुरी। उसने श्री देवकी को जब हत्या करने के लिए जा रहा था वसुदेव ने कहा आकाशवाणी कभी झुकनी हुई, इसी तरह से इनके प्राण रक्षा करनी चाहिए।
उनने साम दाम दंड भेद नीति से समझाने के लिए कोशिश की, लेकिन कंस मान ही नहीं रहा था। बोले देख, तेरे को पता मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बोले हाँ। बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मेरे जितने बच्चे सब तेरे को सब देते हैं, सारे बच्चे को मार डालना। अगर अपना बहन को मारोगे ना, जब तक ये दुनिया रहेगा तेरी निंदा करेगा। ऐसे जीवन रहना नहीं रहना बराबर है। वो राजी हो गया। जब का पहला बेटा जब कंस को दिया, कंस का दिल तो खुश हो गया। बोले बाप, बोले अपना बेटे को काल को हाथ में, खुश हो गया। बोले इसको ले जा तू, ये मेरे क्या करेगा, अष्टम गर्भ का संतान से मेरा मतलब है। नारद जी ने देखा भैया गड़बड़ी हो गई। बोले क्यों? बोले भगवान तभी आएंगे जब पाप की घड़ा भर जाए, लेकिन इसकी हृदय में दया की उम्र आ गई, भगवान आने में देर करेंगे। इतने में नारद जी झट कीर्तन करते करते वही आ गए और कंस को बुलाया। बोले देख कंस, अभी अभी मैं स्वर्ग से आ रहा हूँ। देखा ब्रह्मा जी वो सारे देवता को लेकर के मीटिंग कर रहे थे, वो विषय वस्तु था तेरे को मारेंगे कैसे। देख ये जितने जदुवंशी कोई नहीं, ये देवता है, और जितने गोपियां हैं ना, ये देवियां हैं, ये सब प्लान करके तेरे को मारने के लिए आए। और उन्होंने एक कमल फूल लाए थे जिसमें 8 पकुड़ियां थी। बोले बताओ इसमें पहला नंबर कौन और 8वां कौन। बोले गुरु जी 1 2 3 4 5 6 7 8 बोले उल्टा से गिन। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 बोले समझ गया। बोले क्या बताना चाहते हो। बोले इतनी बात समझ में नहीं आई। देख देवता का बात समझना बड़ा कठिन, तू तो इधर 1 2 कर रहे हो, अगर वो उल्टा से 1 2 लिया तो क्या होगा, जिसको 1 कर रहे हो ना 8 हो जाएगा। अरे भाई जब धीरे धीरे बड़े होंगे ना, सब मिल करके तेरे को मारेंगे। बोले फिर क्या करे, सबको मार तू। बोले भैया मैं क्यों बोलूंगा, तू जानता तेरे काम जानता है। उन्होंने उनको भड़का दिए और नारद जी वहां से चले गए। इतने में कंस 6-6 बच्चों को मार डाले। अभी प्रश्न है भैया नारद क्यों मरवाए इतने बड़े संत। बोले नारद जी को इनकी पूर्व चरित्र बताए। ये पूर्व जन्म में ये ब्रह्मा का संतान मरीच थे। एक दिन ब्रह्मा जी एक सुंदर बेटी जन्म थी, बहुत सुंदर, सचमुच से वो इतने सुंदर थी, स्वयं ब्रह्मा अपना बेटी में आसक्ति हुई। इतने में ये 6 लोगों हंसे थे, बोले बूढ़े को देखो अपना बेटी को पीछे कैसे भाग रहा है। इतने में ब्रह्मा जी अभिशाप दिया, बोले मेरे को देख रहे हंसी उड़ाए, तुम अपना पिताजी को हाथ में 3 जन्म मरोगे तो मुक्ति मिलेगी। अभी पूर्व जन्म में है कभी काल ने भी था, अभी कंस बन करके आए, अगर इसी जीवन में मरेंगे तो इनको मुक्ति मिलेगा। नारद मरवाया नहीं, इनको मुक्ति करा दी। और 6 बच्चे क्यों है कहते, ये चीज को समझो कहते, अगर कोई भगवान को अपना हृदय में बैठना चाहते हो, बोले 6 बच्चे को मारो। बोले 6 बच्चे क्या? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। पहले ये 6 शत्रुओं को सबसे पहले मारोगे। बोले सप्तम गर्भ में, बोले बलदेव प्रभु। बोले बलदेव प्रभु कौन है? बोले धाम स्वरूप, ये लक्ष्मण धाम स्वरूप है, जो भगवान को धारण करता है, इसलिए पृथ्वी स्वरूप श्री बलदेव प्रभु है, जो पंच रस और 10 शरीर से ठाकुर को सेवा करते हैं, इसलिए सप्तम गर्भ में श्री बलदेव प्रभु। अष्टम गर्भ में कृष्ण। बोले अष्टम गर्भ में क्यों कृष्ण आए? देखो ये चीज को समझो थोड़ी सी, मैं कल पूछूंगा, देखूंगा मेरे कौन बोल पाता है, अभी ध्यान लगा कर सुनो। कृष्ण अष्टम गर्भ में क्यों आए? बोले भक्ति की जैसे क्लास 1 2 3 4 5 ही है, बच्चा इसको तेज कर सकते, इसलिए जैसे 5 4 5 उसी तरह भक्ति का भी 8 स्टेजेस है। जो भक्ति का सबसे पहला स्टेज क्या? बोले श्रद्धा। जैसे आपका हृदय में श्रद्धा है तभी यहाँ पर आकर के बैठे, श्रद्धा नहीं होता तो कभी बैठते नहीं, इसलिए भक्ति का हर चीज श्रद्धा। पढ़ाई देखो, काम से करो, देखना सब कहते ना, अरे भक्ति से करो ना हर काम, इसलिए जब तक श्रद्धा नहीं होगी इसी दुनिया में कुछ भी तुम नहीं कर सकते हो, इसलिए भक्ति का पहला स्टेज श्रद्धा। उसको बाद में साधु संगम, श्रद्धा हुई बैठे कभी कथा सुन गए। तीसरा स्टेज बोले भजन क्रिया। भजन क्रिया मतलब जब साधु संग से हमें पता चलेगा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, जाना कहाँ है, कहाँ है, जिनको अपना कहते मैं गए कहाँ, एक दिन हम भी संसार से जाना पड़ेगा, फिर मैं कहाँ से आया हूँ,
मेरे को क्या करनी चाहिए। जब ये आत्म तत्व प्राप्त होता है उसको पता चलता है हम कौन हैं, हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भगवान की संतान हैं। उनको भूलने का वजह से संसार में आए दुख उठा रहे हैं। जब फिर उनके चरण में माफी मांग करके शरणागत हो जाएंगे फिर ठाकुर चरण में स्नान करेंगे। इसलिए ये तीसरा स्टेज साधन, चौथा स्टेज अनर्थ निवृत्ति। जब भक्ति करेंगे फिर हृदय से जितने काम क्रोध जितने अन्याभिलाष जितने अनर्थ पाप सबके सब दूर होगा। मतलब पंचमा स्टेज रुचि मतलब क्या है? देखो अभी अगर प्रभु का भजन करने के लिए बोलो ना उत्तरा माला जब कर मन नहीं लगता है, लेकिन सिनेमा देखो तीन तीन घंटा सीरियल में देख के बैठ जाते हैं, लेकिन प्रभु की भजन बोलो अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्व जन्म का पाप है, पूर्व जन्म का पाप है, इसलिए भजन में मन नहीं लगता है। बोले भैया करनी क्या चाहिए, उसको उपाय बताए। आप लोगों ने मिश्री खाए हो? कौन कौन जीवन में मिश्री खाए हो? हाँ, आपसे एक प्रश्न करता है, मेरे उत्तर देना। बता मिश्री खाने में मीठा है, लेकिन ये मिश्री किसी किसी को कड़वा भी लगती है। आप बता सकते हो मिश्री किसी को किसी को कड़वा लगता है? बोलो, जिसको पीलिया जंडिस क्या बीमारी हो जाए ना, देखना वो जो कुछ खाएगा उसको कड़वी लगेगा, मिश्री भी उसको कड़वा लगेगा। बोले क्यों? अब इसको पीलिया जंडिस हो गया है। पहले इतने दवा भवा कुछ नहीं होता था, डॉक्टर कहता था देखो मिश्री तो मीठा लेकिन तेरे को मीठा नहीं लगेगा, लेकिन उसको चूसते रहना, छोड़ना नहीं, कड़वा तो लगेगा छोड़ना नहीं, उसको चूसते रहना, चूसते 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 तुम्हारी बीमारी धीरे धीरे सही होती जाएगी। जब बीमारी सही हो जाएगी ना फिर तो मिश्री मीठा लगने लग जाएगी, और जब मिश्री तुम्हें मीठा लगेगी समझना तुम्हारी बीमारी सही होगी। इसलिए भगवान का नाम से इतना मीठा दुनिया में कुछ भी नहीं, भगवान की भक्ति से मीठा दुनिया कुछ नहीं, लेकिन ये अभी हमें कड़ू लगते। बोले क्यों? बोले पाप है, हमारी अपराध अनर्थ है, इसलिए प्रभु की भजन भक्ति हमें अच्छी नहीं लगती है। इसलिए लेकिन जब हमारी भजन करते करते दूर हो जाएगा पाप है तो इतनी भक्ति अच्छी लगेगी, इतने अच्छी बड़े माला तुमसे छूटेगी नहीं, भक्ति छूटेगी नहीं। इसको कहते रुचि। कहते छठवां स्टेज है निष्ठा। बोले निष्ठा मतलब क्या है? जैसे अभी हम भजन करते हैं देना थोड़ी बहुत इधर उधर चीज हो जाए ना कभी भक्ति भक्ति छोड़ छाड़ देते हैं, भक्ति भक्ति छोड़ छाड़ देते हैं। बोले भगवान के लिए इतना क्या, भगवान हमारे साथ नहीं सीख। लेकिन जब निष्ठा हो जाती है ना, जैसे मीरा है, जब उसने भजन की उसका चेट उसकी देवर उसकी ननंद उसकी परिवार वहां तक भी गाँव में कुत्ता भी उसका पीछा नहीं छोड़ा, सबके सब उसको पीछे विरोध हो गए। बोले क्या तू राजरानी होकर के ये संतों के बीच में क्या माला झूली लेकर हरे कृष्ण करती, सारा दुनिया उसको पीछे पड़ गई, लेकिन सारा दुनिया विरोध हो गई, लेकिन मीरा अपना रंग नहीं छोड़ी, मीरा अपना भजन नहीं छोड़ी, तभी तो दुनिया में मीरा की नाम हो रही है, तभी तो दुनिया उसकी पूजा कर रही है। इसलिए भगत भले ही निष्ठा मतलब होता है इतने पक्की निष्ठा हो जाती है, भैया प्रभु का भजन उससे कभी नहीं छूटती है, उसको बाद में आसक्ति भाव। बोले भावावस्था में क्या होता है? देखो ये बड़ी अद्भुत चीज है भाव आना। कभी कभी ठाकुर की मीठी मीठी बंसुरी सुनाई पड़ेगी, कभी कभी ठाकुर की चरण की नुपुर की छमछम आवाज सुनाई पड़ेगी, कभी कभी उसको ऐसे लगेगा जैसे ठाकुर जी मेरे को स्पर्श किए, उसको रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कभी कभी उसको ऐसे लगेगा जैसे ठाकुर जी आए और उसको अधरा मृत मिला करके चले गए, अपना होंठ को चाटने लगी जाएगी, कभी कभी इसको ऐसे लगेगा ठाकुर साक्षात प्रकट हो गए, इतने ठाकुर जी का ज्योति उसको आंख चकाचौंध हो जाएगा, यदि भावावस्था है। और प्रेम में ये अष्टम स्टेज में भगवान स्वयं दर्शन लगे, ठाकुर जी स्वयं साक्षात रूप में कृष्ण दर्शन लगे, इसीलिए कृष्ण अष्टम स्टेज में आए, अष्टम स्टेज में ही भगवत दर्शन है। अभी भगवान कृष्ण आएंगे देखना, साधारण अगर मोदी यहाँ पर आए ना देखना उनके लिए कितने स्वागत होगी। अभी विश्व ब्रह्मांड के मालिक ठाकुर जी पालन हार आ रहे हैं, इसलिए वृंदावन धाम तो दुल्हन जैसे सज गई, यमुना की कलकल नाद से बह रही है, भगवान की जय जयकार देते हुए। बोले क्यों? बोले भगवान अपना पटरानी बनाएंगे, अपना सखी बनाएंगे, इसमें कृष्ण जल विहार करेंगे, इसलिए यमुना तो बोले श्री कृष्ण के नैया लाल और पीछे वाले कोई जयकार नहीं दे रहे, जो जयकार तो ठाकुर आ रहे ना।
श्री कृष्ण के दिया लाल की हरे कृष्ण। इसके अभी जमुना प्रसन्न हो रही है, बोले और जितने दूसरे दूसरे नदियां थी ना वो भी खुश हो रही थी। बोले क्यों? बोले ये यमुना है, ये सबसे बड़ी रानी है जमुना, और गंगा और दूसरे जो नदी इनकी छोटी छोटी बहनी है। अब देखना अगर बड़ी बहनी को साथ में अगर शादी हो जाए, देखना दामाद जो छोटी बहनी जो साली होती है, कभी कभी दामाद बड़ी बहनी से छोटी बहनी को कभी कभी ज्यादा प्रेम अपना साली से करते हैं। इसलिए दूसरे नदियां देखा, कृष्ण का शादी तो जमुना से हुई की कालिंदी से, हम उनकी छोटी बहनी है ना, इसी नाते हम उनकी साली लगेगी। अब तो पता होगा साली कितना प्यारी होती है, इसलिए कृष्ण हमें भी प्रेम करेंगे। इसलिए सारी नदी प्रसन्न हो रही थी, और जो कमल फूल खिलता है दिन में, लेकिन कमल फूल खिल गया रात में। बोले क्यों? कारण क्या? बोले कारण ही संत लोग जो भगवान की अंगों को उदाहरण देंगे, बोले नेत्र कमल, हस्त कमल, चरण कमल, नाभि कमल, कमल कमल को साथ में उदाहरण देंगे। इसलिए कमल फूल रात में खिल गई, और कृष्ण जब जन्म हुए अष्टमी का रात, भादो की महीना अष्टमी रात का चंद्रमा आधा होती है, लेकिन आज चंद्रमा पूर्ण चंद्र हो गए। बोले क्यों? आज ठाकुर जी मेरे वंश में, आज ठाकुर जी जन्म लेने वाले, इसलिए वो पूर्ण चंद्र रूप में प्रकट हुए। लेकिन जब चंद्रमा प्रकट हुए ना, उसी समय में आकाश में काला मेघ छाया हुआ था, इसका इको कंपन, इसलिए काला मेघ छाया हुआ था। अब देखना मेघ नीचे चंद्रमा ऊंचा होता है, चंद्रमा ऊंचे नीचे मेघ, अभी चंद्रमा मेघ में तो लड़ाई शुरू हो गई। इतने में चंद्रमा का तो मेघ सामने हट जा, मेघ कहता है क्यों? बोले तेरे को पता नहीं आज ठाकुर जी मेरे वंश में आ रहे हैं। मेघ कहता है तेरे को पता नहीं ठाकुर जी मेरे कलर लेकर के आ रहे हैं, मेरे रंग लेकर के आ गए। बोले तेरे रंग तो लेंगे लेकिन वंश में किसके आ रहे हैं? मेरे, इसलिए तेरे से ज्यादा सौभाग्य मेरा है। देवता बोले भैया अभी थोड़ी झगड़ा करने का समय है, अभी तो आनंद लेने का समय है, तुम भी हट जा, वो भी आनंद ले, ये भी आनंद ले, दोनों ही आनंद लेते रहे हो। देखो आकाश में जब काला मेघ छा जाती है, चार व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। बोले कौन कौन? बोले पहला नंबर किसान। बोले क्यों? किसान ने खेती करता है, अगर बारिश नहीं होगा तो खत्म हो जाएगी, इसलिए किसान दुखी होता है। लेकिन जब आकाश में काला मेघ छा जाए किसान खुश होता है। बोले यहाँ पर किसान कौन है? बोले ब्रह्मा जी, जब भगवान आ रहे हैं, ये दुनिया को सृष्टि किसने किया? ब्रह्मा जी। लेकिन कंस और दैत्यगण आकर के इतने उत्पात मचा रहे थे, मानव दुनिया को ध्वंस करने जा रहे थे, लेकिन काला कृष्ण को देख लिया तो हमारे ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। बोले दूसरे व्यक्ति प्रसन्न होता, बोले कौन? बोले मोर। आप देखना मोर कब नृत्य करता है, आकाश में जो मेघ छा जाए, बिजली चमकने लग जाए, घड़ 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 शब्द हो, देखना दिन जी बारिश ही होना, और ये मयूर थिरक थिरक करके नाचता। बोले भैया ये मोर कौन है? बोले नीलकंठ श्री भगवान शंकर जी। नीलकंठ शंकर जी कल सुनेंगे, शंकर कैसे प्रभु का दर्शन करने आएंगे। और तीसरा व्यक्ति प्रसन्न होता है, बोले कौन? बोले दावा नल में दग्ध हाथी। अगर जंगल में आग लग जाए ना, ये हाथी बड़ा दुखी होकर भागता रहता है, लेकिन जंगल का जो दावा नल किसी फायर भीतर से नहीं बुझेगी, अगर बारिश ही होना तभी जाकर बुझेगी। इसलिए कहते भैया ये देवत ये कौन है? दावा नल में दग्ध हाथी। बोले स्वर्ग का इंद्र चंद्र आदि जितने देवता, जब देखा कृष्ण आ रहे हैं, बोले अभी परित्राण आय साधुनाम बिना सायत दुष्कृताम, दुष्कृत को विनाश करके संतों को रक्षा करेंगे। बोले चौथा व्यक्ति प्रसन्न होता है, बोले कौन? बोले चातक। ये एक चिड़िया है, वो किसी नदी का पानी नहीं पीता है, किसी तालाब का पानी नहीं, जब आकाश से बारिश ही हो उसी पानी को। बोले भैया चातक कौन? बोले नारद आदि भक्त बन हैं, वो केवल प्रभु की लीला देखकर खुश होते हैं। सारा दुनिया में जयजयकार हो रहा था, इतने में भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं। भैया भगवान बोले आओ, बोले श्री कृष्ण के दिया लाल की जय, जय जय श्री स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण
Sakhi chandan ram dekhe baar,